यार गप्पों की नहीं जरूरत, प्लीज आवाज कम रखिए प्लीज। शुरू करने लगे हम। मैडम प्रिसिला आई हैं, देख के कागज आए कि यार पता करो, ये तो सिर्फ प्रिंट करके लाना था इतने घंटों की, क्या पर्चा भी मंगवाई प्लीज। आ गए कागज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो तमाम दोस्तों को मैं खुशामदेद नहीं मुबारक देना चाहूँगा कि आप 12 दिनों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं और आप यहाँ पे इख्तिताम तक पहुँच गए। सर अच्छी बात है, बिल्कुल आई नो इट इज़ एन ऑनर फॉर यू, बट मेरे लिए काफ़ी बर्दाश्त करना पड़ा इसलिए कह रहा हूँ करके, बिकॉज सारा दिन आपके साथ गुजारना पड़ता दफ्तर बंद करके। यार देखो बात यह है कि आखिर आज वाले दिन के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन भी सिखा सकता हूँ और चीज़ भी कर सकता हूँ, वो मेरे लिए नज़दीक इतनी नहीं है, वो एक स्केल है। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे और अगर आप मेरे से पूछें चीज़ जो मैंने अपने करियर के अंदर देखी है, आपने कभी अगर देखा ना कोई एक शीशे के कमरे के अंदर अगर कोई चिड़िया एक अगर फंस जाए कमरे में तो खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है और बार बार टकरे मार के अपना सर फोड़ के वहाँ पे गिर के मर जाती है या इंजर हो जाती है। ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारते हुए मैंने आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे देखा है कि जिससे आप अपना खुद चांस सक्सेस करियर के अंदर डिपेंड्स अलॉट ऑन लक एज वेल, बट आप अपनी प्रोबेबिलिटी और अबिलिटी आप डेफिनेटली इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस कर सकते हैं और वो इसलिए करते हैं कि मेरी तरह के आप शहजादे नहीं हैं कि जो तीसरी पुश्त के घर के अंदर हुआ है, बाप भी जज था, दादा भी सुप्रीम कोर्ट का जज था, वेल कनेक्टेड पॉलिटिकल एमएनए भी फैमिली के अंदर हैं। आप मुझे डिसलाइक तो कर सकते हैं या जेलस तो हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, मगर बात यह है कि आपका दर्द और आपका भूख, आपकी दर्द और आपका भूख है, उसका कोई जवाब नहीं कर सकता, आपके वालदैन भी नहीं कर सकते। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने अरूज पे अकेले ही पहुंचना है और काफ़ी वजन उठा के लेके जाना है, बीवी बच्चे भी साथ होंगे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगी, तो उस चीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू प्लान। जिस बंदे ने में आके कि जी मैंने इस तरह जाना ताकि आप अपने आप को चांसेस ऑफ सक्सेस सबसे ज्यादा दें, फिर भी होता है वगैरह, कई दफा आप मिसगाइडेड होते हैं, कई दफा ये होते हैं, आज की एक्सरसाइज ये है कि आज हम बैठ के आपका पहले करियर प्लान करेंगे, आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आपसे करवा रहा हूं मैं, आप जबरदस्ती कागज निकालें पेन निकालें सारे दोस्त, एक एक सफा, और खासतौर पर अगर नेट पे भी हमें कोई दोस्त लाइव देख रहे हैं तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि कागज पेंसिल पकड़ लें। अब जिस दोस्त जो दोस्त डायरी में कर रहा है वो वकील क्या बीच में उसकी तैयारी होगी यार, पकड़ के किसी से उधार ही ले लो कागज यार। हाँ ले लीजिए, मैडम के पास बहुत कागज हैं पीछे बीच में, वो सारों को दे सकती हैं बीच में, कागजात की पलंदा मौजूद है। बल्कि वो किधर गया यार, वो जो हमने इतने कागजात जाया किए थे वही अगर कागज हम इस्तेमाल कर लें उनकी बैक साइड के ऊपर। हाँ देख लें जल्दी जल्दी, शाबाश, कागज पेन निकाल लें प्लीज। लेक्चर की तरफ अभी हम आते हैं, पढ़ा लिखना छोटा लिखना है वो कर लीजिए, सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखें, ये कागज आपने संभाल के रखना है, इसे आपको अपनी एबिलिटी और आपका प्लान बनेगा। 10/10 भी आप अपने आपको नंबर दे सकते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई तोप नहीं है, लेकिन आप में से कम दोस्त मुझे ऐसे नजर आए हैं जो 7 या 5 से भी आगे हो, बिकॉज आप अभी करियर की इब्तदा में, राइट। सो ऑनेस्टली आपने इन चीजों को एनालाइज करना है, पहले ऊपर नाम लिखिए इस कागज के ऊपर आपका अपना, अंग्रेजी में लिखें और उर्दू में दोनों में लिखें। और सबसे पहले अपनी हैंडराइटिंग को 10 में से नंबर दें,
उर्दू और अंग्रेजी दोनों के अंदर की, बड़ी खूबसूरत लिखी है, अच्छी है, गंदी है, ये है वो, आपको पता चल जाए कि आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी है कि नहीं करनी, वो भी देख लें, अपने अपने पास से पता चल जाएगा कितनी ईमानदारी। बिकॉज कई दफ़ा काम आपको हैंड राइटिंग से ही करना पड़ता है, आपके एसोशिएट्स ने पढ़ना है या आपके सीनियर ने मैनुअल अगर पढ़ना है, आपकी हैंड राइटिंग इस काबिल नहीं है, उर्दू में नोट्स लिखने के इस काबिल नहीं है कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं, सो पहले तो ये नोट कर लीजिए। अब मेहरबानी करके आज की तारीख लिखें, ये कागज आप संभाल के रखेंगे और अगले 5 साल के अंदर हर साल इस तारीख के ऊपर आप ये एक्सरसाइज दोबारा करेंगे कि आज मैं कितने मौजूद हूँ, मेरा क्या प्लान है, क्या प्लान था, मैंने इम्प्रूव किया है कि नहीं और मैंने सक्सीड किया है कि नहीं। तो मेहरबानी करके यहाँ पे डेट भी लिख लीजिए। ये कागज़ का जो टुकड़ा है ये आप अब उठा के अपने साथ, आपने ये एक्सरसाइज करनी है अगले 5 साल। अगर तो बड़े ज़बरदस्त वकील बन गए तो फिर ना करना, बट 5 साल के अंदर कोई ज़बरदस्त वकील नहीं बनता। आपने ये एक्सरसाइज करनी है टू बेसिकली चार्ट फॉर योर सेल्फ कि मेरी कमी कोताही कहाँ पे हो रही है, और अपने आप से झूठ ना बोलिए, अगर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा अहमक है बंदा। सो बी क्लियर अबाउट दिस कि जो आप चीज़ लिख रहे हैं, सबसे पहले कर लीजिए कम्युनिकेशन। वकालत के अंदर सबसे मेन स्किल होता है कम्युनिकेट करने का। मुकदमा आप जज तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, और ये अब आप नंबर देंगे 10 में से हर चीज के ऊपर अपने आप को, ठीक है। पहले के लिखने की हद तक उर्दू में 10 में से आपकी कितनी एबिलिटी है, टाइट हेडिंग लिख लीजिए सारी, पहले लैंग्वेज स्किल्स उर्दू, लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश लिख लें और 10 में से अपने आप को नंबर दे दें। अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, उर्दू में आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, यही चीज आप इसके साथ आगे लिख लीजिए। रीडिंग स्किल्स इंग्लिश और उर्दू के भी एविडेंस पढ़नी पड़ेगी, प्लेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो 10 में से आप अपनी एबिलिटी को अंग्रेजी उर्दू में कितनी देते हैं, ठीक है। रीडिंग स्किल्स आ गए, राइटिंग स्किल्स आ गए, ज्यादा मवाद आप पढ़ सकते हैं कि नहीं ये भी आप सोचेंगे उर्दू अंग्रेजी में, कि एक सफा ही सारा दिन लगता है, पढ़ तो लेता हूँ लेकिन मैं एक सारा दिन लगाता हूँ एक सफ़ा पढ़ने में, कि अंग्रेजी तो मैं बड़ी अच्छी पढ़ लेता हूँ लेकिन समझ कख नहीं आता। आज आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको कहाँ पे कमी कोताही, आपकी कमजोरी किधर आ रही है, ज़ाती तौर के ऊपर किधर जाके अड़ जाते हैं, ताकि आप फोकस कर सकें कि उधर जाके मैं ज्यादा बेहतर ठीक करना है, उसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, ना कि एक ही चीज में आप 10 हों और बाकियों के अंदर 2-2 के ऊपर आप बैठे हो तो 0 वकील। अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी, जी मैडम, थैंक यू मैडम, सारी कागजात इनको कर लीजिए, ये इसके पिछले साइड को यूज कर लीजिए, इसको इसमें मैंने थोड़ी सी तब्दीलियां कर ली। अंडरस्टैंडिंग और सिंथेसाइज की इसको एबिलिटी कहते हैं, कि समझा भी हैगा तो अप्लाई भी कर सकते हो कि नहीं, कि सेक्शन 9 के अंदर से उसके ऊपर जब ड्राफ्टिंग वगैरह आप करेंगे या लिखेंगे वगैरह। वकील का एक गोर ये भी होता है कि जो चीज पढ़ी समझ आई कि नहीं, तो समझ आके इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन का आप कह दीजिए या ड्राफ्टिंग में वो आपका नजर आ सकता है कि नहीं, ये आप प्लीज लिख लीजिए। ये सारी चीजें आप 10 में से नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाए रिसर्च, आपकी नॉलेज बेस क्या थी, आपकी डिग्री कैसी है, आपको क्या बड़ा जबरदस्त टॉप कॉलेज से आपने पढ़ा हुआ है, तानूर पाकिस्तान का कानून आता है कि नहीं, बैरिस्टर साहिबान अपने आपको उसमें 0 दें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नॉलेज के बारे में, बिकॉज आपकी नॉलेज सीआरपीसी पीपीसी सीपीसी किधर है, सलाम साहब बैठे हुए नहीं बैठे हुए, चलें फोन के ऊपर से देख के कर लें, पाकिस्तान के कानून की नॉलेज आपकी कितनी है 10 में से, ये सारे हेडिंग्स भी साथ साथ ही लिखी जा रहे हैं, ठीक है। नॉलेज
नॉलेज बेस लिख लें, ठीक है, उसमें लिख लें। अगला आप ये लिख लीजिए कि नहीं पता, वेले हैं, लेकिन क्या अबिलिटी है कि नहीं कि आप रिसर्च करके सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। कई बंदे इस चीज में बड़े अच्छे होते हैं कि जवाब फिर भी निकाल लेते हैं। ये भी वकील का गोरा है, आप हर चीज नहीं जान सकते, और आप इस स्टेज के ऊपर तो आपको सारी चीजें वैसे भी नहीं आती, आ सकती, मुझे नहीं आती, आपको भी नहीं आती होंगी कि अब, लेकिन मेरा एबिलिटी इसके अंदर जवाब, सवाल का जवाब निकालना 10 में से 9 है। मैं फिर भी निकाल लूंगा रास्ता वगैरह निकालने के लिए, वो आपके लिए जरूरी है, और फिर जाके उसको इम्प्लीमेंट करूंगा अपनी चीजों में। ये देख लीजिए, मैं आपके सामने टुकड़े इसलिए ब्रेक डाउन कर रहा हूं कि आपको पता चले कि मैंने किधर किधर काम करना है और मैंने क्या क्या ठीक अपना करना है। यही नहीं कि मैं बड़ा जबरदस्त वकील हूं क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ ली है। जजमेंट को आगे जाके आप कर सकते हैं कि नहीं, और क्या आप रजिस्टर बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। आज ये भी लिख लीजिए, रजिस्टर है कि नहीं, बनाया है कि नहीं, नॉलेज बेस के आगे यस और नो, वो सिर्फ यस और नो लिख लें। और रिसर्च में मैन्युअल के ऊपर भी अपने नंबर दे दीजिए, किताबें फरोलनी आती हैं कि नहीं, और कंप्यूटर की पाकिस्तान लॉ साइट भी इस्तेमाल करनी आती है, PLJ भी करनी है, गूगल करना आता है कि नहीं, वो भी लिख लीजिए। उन पे भी अपने आप को नंबर दे दीजिए 10 में से, ठीक है। अब 7 आप लिख लीजिए, 10 में से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस के कितने नंबर देते हैं। खड़े होके क्या आप बहस कर सकते हैं 50, आपने सारा, और 10 ना दीजिएगा बिकॉज मजाल है, आप में से कोई सारे के सारों के अंदर से 80% ने तो एक सवाल तक नहीं किया यहाँ पे, तो थोड़ा क्या रखा कॉन्फिडेंस, चुपते ही रहे हैं सारे, वकालत में कहाँ पे आप शाइन करेंगे। कॉन्फिडेंस आप में है कि नहीं, आप उस पर काम करें, उस पर भी काम करने के तरीके, ठीक है। दूसरा कॉन्टैक्ट्स, आप कितने वेल कनेक्टेड हैं, तीसरे पुश्त के वकील हैं, कमजोर कांटेक्ट है या बिजनेस बैकग्राउंड के रखते हैं, वहां पे बड़े अंकल शंकल हैं, जजेस आपकी फैमिली के अंदर मौजूद हैं, वो आपके कितने हैं, डू यू हैव कांटेक्ट्स का भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे लिख लीजिए क्लाइंट हासिल करने के आप में कितने, पहले लिख लीजिए कि आप कितने सोशियबल हैं, कितने लोगों से जाके मिलते घुलते मिलते हैं 10 में से। हाँ अभी ओपन है कि नहीं, हर बंदा कैन बी योर क्लाइंट, ठीक है, बिकॉज यू कैन बी वेरी सोशल, पार्टी ऑल द टाइम, हंसते खेलते रहे, लेकिन योर अगला जो है क्लाइंट गैदरिंग स्किल्स, हर बंदे के नाल तुसी पार्टी कर दे, आप मुकम्मल तौर पे मस्खरे हैं या मखौली हैं, बट आप वो कहते ने कि वो इनू कि केड़ा मुकदमा दे, किसी आपके दोस्त को कोई मसला पैदा है वो कहता है घर की मुर्गी दाल बराबर, आपकी क्लाइंट गैदरिंग स्किल्स फिर भी जीरो हो सकती है। दोस्तों से कैसे आपने हासिल करना है, सोशल मीडिया पे 5000 फ्रेंड्स हैं लेकिन एक क्लाइंट नहीं आंदा, सो क्लाइंट गैदरिंग स्किल जीरो, सोशल मीडिया के किंग 10 out of 10। सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल कि कहां पे मुझे मसला पड़ा है। और अगर आपको जिंदगी में कोई क्लाइंट मिल गया है अपने छोटे से करियर में अभी तक, तो क्या वो आपके पास वापस आता है, क्या आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं क्लाइंट को, उस पर भी कोई 10 में से नंबर दे दीजिए। या अपने बॉस अगर आपको कोई काम देता है तो उसको आप कितनी सेटिस्फैक्शन देते हैं 10 में से, लिख लीजिए client/boss satisfaction out of 10। ईमानदारी से करो यार, देखो 10 में से 10 अगर अपने आप को देते रहे तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम, झूठ बोल रहे हो अपने आप से। आपकी दूसरा, आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन 10 में से क्या है, कि काम करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो शौक से कर रहा हूं,
या काम करने की बहुत जरूरत है और बड़े कर्जे चढ़े हुए और मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो भूखे मर जाएंगे, आउट ऑफ 10। ठीक है, आप सारे अपने अपने खुद लिख रहे हैं। हो गया, अब आ जाएं, अब लेट्स टॉक अबाउट, आपने ये लिखना है कि अभी आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अगले साल तक आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वालदैन हैं, हेल्दी हैं, वो कमाते हैं कि आपको उनके लिए कमाना है अगले 5 साल के अंदर। यू नीड टू प्रोजेक्ट दिस बिकॉज ये रियल लाइफ के अंदर है। ये सवाल आपको अपने आप से चूंकि आपने पूछे नहीं होंगे तो मैं पूछवा रहा हूं जबरदस्ती, अपना आप बीच में लिखिए। ठीक है, आपकी शादी हो गई है कि होनी है, का कितने अरसे के अंदर आपकी शादी होनी है आपके ख्याल में, जो मर्जी लिख लो। आइडिया ये कि कागज में आपका जायचा बन रहा है ना यार बीच में पकड़ के, यू हैव टू कैलकुलेट कि 2 साल में मेरी मेरा खर्चा दुगना हो जाएगा, टेंशन भी टेंशन 4 गुना हो जाएगी, ताने 10 गुना हो जाएंगे, कारदानी कुछ वगैरह सारे के सारे। सो ठीक, ये लिख लीजिए, किड्स भी लिख लीजिए, 5 साल का हम बीच में पूरा प्लान कर रहे हैं, अगले 2 साल में शादी हो रही है तो बच्चे तो 1-1.5 आ जाएगा तो ठीक है, वो हो जाता ना एवरेज के अंदर। बट बताना ये चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे मनी फिगर है, इसका लिखने का मकसद ये है कि अगर आपका फाइनेंशियल बर्डन आप पे 10 है, सारा कुछ तुसी चलांदे हो, तो माजरत के साथ फिर शादी होने नहीं करनी या बच्चे अभी अभी नहीं करने के, आप अपने वालदैन भी वालद साहब बीमार हैं, कमा के आप लेके आ रहे हैं या आपने लेके आना है या आपने जल्दी करना है, अलामिया के कंट्रोल में होता, बट वालद साहब फौत भी हो जाते हैं, कोई और भी हो जाता है वगैरह, बट प्रोबेबिलिटी के ऊपर दिस इज स्टफ यू नीड टू टेक अ लुक एट। सो इसके अंदर ये है, बच्चे वगैरह अगर आपकी और भी कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ये वो भी लिख लीजिए कि मैंने इनको संभालना है, मुझे पैसे चाहिए, इन वजह की वजह से चाहिए, ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। आई नो आपका साथ वाला भी देख रहा होगा कि हाँ यार फिर इसका क्या सिलसिला वगैरह, बट आप अपने आप से सच बोलें। ये हो गया, आप अब आगे आके ये देख लीजिए कि आपके ख्याल में अगले 6 महीने तक जिसके पास आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट बॉस, वो आपको रखेगा कि नहीं, कि वेला करा देगा जल्दी, अगला 6 महीने का फ्यूचर इसी के साथ है कि नहीं। साथ जवाब भी लिखते जाइए ना, 6 महीने साल के बाद ये बंदा पैसे देना शुरू कर अभी दे रहा है कि नहीं, और 6 महीने साल के बाद ये पैसा देने शुरू कर देगा कि नहीं, और कितने देगा। ठीक है, अभी जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां पे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, आर यू लर्निंग एनीथिंग, पैसे 0 मिल रहे हैं बट आर यू आउट ऑफ 10 लर्निंग एनीथिंग वहां पे कि नहीं, कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। इस बॉस के पास आपको जाती काम करने की इजाजत है कि नहीं, अपने क्लाइंट्स आप पकड़ सकते हैं कि नहीं, मैंने अलाउ किया हुआ अपने एसोसिएट्स को, मेरी बिजली मेरा कंप्यूटर मैं कोई ज्यादा पैसे नहीं देता, मेरा नाम अगर तुमने यूज करना करो बिजली करो, सुबह दोपहर शाम यूज करो, कोई ह्यूमन एसोसिएट्स यूज करो, वहां पे बैठ के मेरी तरफ से 5 साल बैठे रहो करते रहो। तो वहां पे भी कई जगह के ऊपर अगर आपको जाती काम करने की पकड़ने की इजाजत है तो अपने चेंबर का खर्चा आपके खाते के अंदर नहीं है, बिजली का खाता नहीं है वगैरह, वो भी आपको इस तरीके की ऑप्शंस हैं। और आगे से अब ये बताएं
अगला पैराग्राफ ये है कि आप अपना चेंबर कब शुरू करेंगे, अलहदा कब होना है, अगले साल में, उससे अगले साल में कब होना है। अलहदा होंगे तो आपके ख्याल में खर्चा कितना होगा, कहां पे जाएंगे, चेंबर की बिजली, ये सारे के सारे, ये इनकम जो जितनी तनख्वाह लग रही है वो जीरो हो जाएगी, और आप उसके बारे में कहां से, अगर आपका केस वर्क वगैरह आ गया है तो कहां से पैसे देंगे, ये भी जरा मेहरबानी करके ये एक्सरसाइज जेन के अंदर करनी जरूरी है, बिकॉज लाहौर के अंदर 90% वकालत आपकी जाती है, चेंबर्स का यहां पे सिलसिला नहीं है, नौकरी करने के लिए वकालत में नहीं आए, शायद आप नौकरी सारी उम्र करते रहे किसी के एसोसिएट वगैरह, मगर अपना काम हासिल करना, ये आपका प्लान हो रहा है कि आप पर फैला के अपना घोंसला कैसे बनाएंगे, फैमिली का भी और प्रोफेशनल भी, तो उसके बिल कहां से अफोर्ड करेंगे। क्या मैं अपना चेंबर खुद सेटअप कर सकता हूं कि मुझे दोस्तों की जरूरत है कि मैं दो को साथ लेके, खर्चे हाफ हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे दोनों मिलके अगर कर रहे हैं, जगह का किराया आधा हो जाएगा, तो मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, बिकॉज इसके जहन में ये होना चाहिए कि यार मैंने अगर करना है तो फिर ए दो 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 यार मेरे हो सकते हैं जिनके साथ करके, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट एज वेल, मैं नहीं थोड़ी फर्म बनानी, मेरे दफ्तर में से पांच एसोसिएट्स ने अलहदा होके अपनी एक अलहदा फर्म बनाई, सुनमुख की हुई, अब दो की अलहदा है, तीन की अलहदा है, बट दिस इज स्टफ यू नीड टू टेक अ लुक एट। सो आप प्लान ये कर रहे हैं और उसके ऊपर आप बीच में देखेंगे। सो ये वाली चीजें हैं, आप अलहदा पार्टनर्स के साथ, और मेहरबानी करके अपना टारगेट एक साल का क्या है इस सफे के नीचे लिख लें, व्हाट इज माय टारगेट एक साल में और पांच साल में, क्या, व्हाट डू आई वांट टू डू विद माय लाइफ, मैंने जुडिशरी की तरफ जाना है, मैंने इन हाउस बन जाना है, मैं बिकॉज आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा, बट आपको समझाने की ये जरूरत है कि ये है। अब आपके पास जो कागज है उसके ऊपर अब एक और कागज अलहदा निकाल लें, यार अदर का वो बाद में, ऑप्शंस की भी बात हो रही है, अभी हम सिर्फ आपको अभी का जज कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं कि मैं कितने खलोता तो मैं कितने जाना, सही है, आपकी जो ऑप्शन आपने जेन के अंदर लिख लें, एक सफा और निकाल लें, आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसको आधा आधा कर लें, आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसके अंदर मेहरबानी करके कागज पे आपने अपनी एक दूसरे की सारों की परफॉर्मेंस लिखी है, 10 में से वकालत के अंदर उसकी चांसेस ऑफ सक्सेस लिख के उसको दीजिए। आपके ख्याल में तो आप 100% जीत रहे हैं ना, जज करो तुहाडे नाल जेड़ा बंदा बैठा हुआ है उसके चांसेस ऑफ सक्सेस, ईमानदारी से बताओगे, ईमानदारी से है, नहीं दसोगे तो नहीं है, और भाई तू आपस में नेगोशिएट करी, तू मैनू 10 दे दे, तू मैनू 10 दे दे, एक्सरसाइज का मकसद ये नहीं, भाई देख एक सेकेंड यार देखो, और प्लीज एक सेकेंड और से, ये मजाक नहीं है, पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज इज आप अपने आप को तो खुद जज कर रहे हैं लेकिन अमूमन गलत होता है, किसी और का प्रिंसिपल होगा कि इसकी वकालत नहीं चलनी, किसी और का आप कॉन्फिडेंस के ऊपर, चले ठीक है वकालत चलेगी नहीं चलेगी आपने लिख के देना, लिख के आप उसकी कॉन्फिडेंस की या उसके हुलिये के उसको नंबर दे दे, ईमानदारी के साथ, गाड़ी अगर छोड़ी हुई है और अगर आपने बीच में दंद खराब है, बो आ रही है काफी ज्यादा आपके साथ, आप तो उसके साथ बैठा नहीं जा रहा, तो आप उसके साथ दोस्ती कर रहे होंगे कि अगर आप उसको कहेंगे कि भाई अपना अपना हुलिया ठीक कर, तुझे क्लाइंट नहीं मिलने, दो सेकंड के लिए आपस में, या बिकॉज देखो बात यह है, आप उसके साथ दोस्ती कर रहे होंगे,
आपको उनसे गुफ्तगू करने की नहीं जरूरत, बता ये रहा हूं इट नीड्स टू बी, आपका ख्याल होता है आप अनलकी हैं, लेकिन आपका हुलिया वो है कि कोई बंदा आपको देगा ही नहीं, आप खपती हैं। आपको ऐसे मार्केट में हमारे यहाँ पे बड़े वकील ऐसे मिलते हैं जो आर मेंटली डिस्टर्ब, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी करके, बट उनको कभी किसी ने पता है, यार गुफ्तगू मत करो प्लीज, इस चीज के लिए गुफ्तगू की नहीं जरूरत। मैं आपको एक लतीफा सुना देता हूं, एक सेकेंड यार प्लीज लतीफा सुनो यार, बीच में गपना लगाओ। बार का इलेक्शन हो रहा था सेक्रेटरी का, तो मुझे एक साहब हाईकोर्ट में आके मिले, तो हाईकोर्ट में आके मुझे ये कहते हैं कि अहमद साहब मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे आप नौकरी दिलवा दें। मैंने कहा हसन साहब ठीक है, आप मुझे अपना दे दीजिए, सीवी दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं सीवी दे देता हूँ। उन्होंने मुझे सीवी दे दिया, मैंने कहा कि मेरा ख्याल था कि सीएलएम में ये मुनव्वर सलाम या किसी के पास मैं कहूंगा कि इसको मैं दे दूंगा। तीन दिन मैं भूल गया उसके बारे में, तीन दिनों के बाद यार गप ना लगाओ प्लीज, दो नंबर अपने वैसे ही काट लो गुफ्तगू करने से, तुम अगर कंट्रोल नहीं अपने आप को कर सकते बोलने में। तो उस बंदे ने मुझे दो दिनों के बाद आके कहता है कि आपने मुझे मेरी नौकरी नहीं करवाई। मैंने कहा यार मैं भूल गया था, तूने सीवी दे दिया, मैं अभी ये फॉरवर्ड कर देता हूँ। कहता हाँ वो क्या उसको कहते हैं मेरे जो जिन है ना, उन्होंने मुझे बताया कि इस दफा मेरी नौकरी हो जाएगी। मैंने कहा क्या? कहता मेरे पास दो जिन है और वो मेरे जिन्हों ने कहा कि इस दफा अगर मुझे आपने नौकरी दिला दी ना तो मैं जीत भी जाऊंगा। और मैंने सीएलएम में मुनव्वर सलाम को देना था, शुक्र है मैंने उसका सीवी आके फॉरवर्ड नहीं किया वगैरह, तो उसने वहां पे जाके उनको कहना था कि मेरे पास चंद जिन है और ये वगैरह। उसके मुताबिक तो वो सबसे ज्यादा केपेबल बंदा था, बट एंड मुमकिन है कि आप जिन और भूतों वगैरह की वजह से और अपनी एबिलिटी की वजह से यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ और आपके चांसेस इन द करियर। क्या है किस अंदाज के अंदर आपको अपने आप की ओरिएंटेशन, अपना अंदाज, आपका अपना आउटलुक, यू विल हैव टू एडजस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस के ऊपर। बिफोर आई कम टू द मेन बॉडी ऑफ माई लेक्चर, आपको ये कागजात वगैरह रख के, ये आपका प्राइवेट कागज है, आप अपने पास रखें, एक साल के बाद इसको एग्जामिन करें ना करें वो आपकी मर्जी है, बट आपसे एक्सरसाइज ये कर रहे थे कि आपको आपका दिखाया जाए, और आप ही बेहतर जानते हैं कि आप अभी सच बोल रहे थे कि अपने आप से झूठ बोल रहे थे। बिकॉज 99% टाइम के ऊपर भाई मैं आपको ये भी बता दूं, इफ यू आर नॉट सक्सीडिंग इन दिस प्रोफेशन मोस्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ यू, आपकी अपनी कमी कोताही की वजह से है। मैं तो यहां पे मौजूद हूं आपको असिस्ट करने के लिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे करना आप सारों ने खुद है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल वहां से उल्टे हाथ से पिछले चार दिनों से बदस्तूर गुफ्तगू की आवाज आ रही है, उनके तो चांसेस काफी कम लगते हैं यहां से बीच में करके, बिकॉज वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, अभी भी बोल रहे हैं। यार देखो बात ये है, आपसे गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि अब आपको मैं चंद गलतियां जो इस प्रोफेशन में आप करवा रहे हैं मैं उसके बारे में अब बात करते हैं। स्लाइड्स आपके सामने आ गई हैं, आपके प्रोफेशन के अंदर अर्ली ईयर्स को कैसे, मैं आपसे वैसे ज्यादातर जो गुफ्तगू कर रहा हूं सिविल साइड से कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर करते, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मगर मेरे नजदीक कोई मेरे 100-125 बीच में एसोसिएट जा चुके हैं। मैं बार बार ये दोहराता हूं, पाकिस्तान का जो लॉ सेक्रेटरी है हाईएस्ट ओहदे पे, जिसके वो भी मेरा जूनियर था, मेरे जूनियर लंदन में भी हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, दुबई में भी हैं, कई मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताना ये चाह रहा हूं कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने जनरली देखे हैं, लाजमी नहीं है कि आप पे एप्लीकेबल हो, बिकॉज आपके अपना अंदाज होगा, आपकी अपनी मसरूफियत होगी, आपके अपने कॉन्टेक्ट होंगे, मगर ये जनरली प्रिंसिपल सारों पे ही लगते हैं। अब इश्यू बेसिकली ये है, आपको इसकी तैयारी अपने करियर की करनी चाहिए थी अपने लॉ स्कूल के आखिरी साल में, इंटर्नशिप्स के जरिए और जॉब प्लेसमेंट के जरिए कि मैं किंदे कोल जाना है। ये काम असल में शुरू होता था आपके लॉ स्कूल के आखिरी दो सालों में, कि आप मार्केट में आते, इंटर्नशिप करते, आपको पता होता कि अहमद की उम्र बड़ा अच्छा है, अपना उस्ताद अगर नहीं भी पसंद की यार उसको अच्छे बोलते हुए उसके पास अगली दफा जाते, और आपकी काम काबिलियत और आपकी वक़्त और आपकी स्ट्रेंथ, मैंने भी आपने मेरे पास इंटर्नशिप की होती जज किया होता और अगर आप अच्छे होते तो मैं कहता मेरे को ला जाओ।
आपके कॉन्टेक्ट आपके लॉ स्कूल से होते थे, लेकिन अभी भी देर नहीं है। मार्केट में देख के आंखें खोल के कि क्या मैंने आपसे ये एक्सरसाइज करवाई है कि आपका उस्ताद आपके लिए अच्छा है कि नहीं, वो आपने अभी ऑलरेडी लिख लिया और अपने आप को एनालाइज कर लिया। अब उसको यहां से जाते ही ना कहना कि तुसी ते वेले हो, मैं जा रहे हैं, मैं रिजाइन करना, मत करना। अभी जहां पे जगह मिली हुई है वो कर लीजिए, मगर और जगह भी देखिए। अभी आना आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों है, किस तरीके से, इट इज ऑल अबाउट जॉब प्लेसमेंट और करियर को इम्प्रूव से इम्प्रूव तक करवाना। मेरा चेंबर वो है जिसका ठप्पा लगता है तो लोगों को, जो मैंने कहा पिछली दफा तीन जजेस सिविल जजेस आए, इस दफा भी एक लड़की मेरे दफ्तर से सिविल जज हुई है। अभी ये जो एग्जाम खत्म हुआ, पिछली दफा टॉपर मेरे दफ्तर में से थी, उससे पहले नहीं आ रहे थे। एवरीवन नोज, अच्छे दफ्तर का ब्रांड का ठप्पा आपके सीवी पे होगा तो जुडिशरी में अगर जाना है फायदा, नौकरी के लिए जाना है, पेप्सी की बीच में लीगल जो हेड है वो मेरे दफ्तर से लड़की गई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरा कई ह्यूमन एसोसिएट्स का ठप्पा सीवी के ऊपर लगवा के गई, तो किधर से होके जाना है। वो चीजें मे बी 5 साल के प्लान के ऊपर आपकी आएगी, अभी वाले आपके प्लान के ऊपर नहीं आती। बट आपने वो भी अपने जेन में रखना है कि यार मैं एंगल बना के ये, एंड यू हैव टू बी वेरी विशियस अबाउट दिस, मुकम्मल तौर पर मतलब ही हो। और बात यह है कि हमारे प्रोफेशन में एचएसएन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारे दफ्तर में एक हमारे मेरे बैच के अंदर एक लड़के के वालिद साहब वकील थे, वो ओ लेवल ए लेवल्स के अंदर ही फौत हो गए। वो लड़का, उसके बारे में लोग ये कहते थे बड़ा मतलबी है, ये है, हर चोली चुकी करता रहता है, ये वो, और इस तरीके से उसके पीठ पीछे ये गुफ्तगू करते थे। बट माजरत के साथ वो आज सबसे ज्यादा हमारे से सक्सेसफुल है शायद। वो चीजें जिन जो आपकी तबीयत नहीं सूट करती कि मैं किस वास्ते पीछे पड़ा, मैं क्यों काम मांगू, मैं कोणी मार के आगे क्यों जाऊं, ये तो देखो जलील है बंदा है, ये क्या कर रहा है, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए, माजरत से आपको भी वही बनना पड़ेगा। आपकी भूख, आपका करियर, आपकी डायरेक्शन, आपको मैंने ये कहा था इब्तदा के अंदर कि आप सब शेर हैं और शेरनियां हैं, आपके अंदर किलर इंस्टिंक्ट नहीं है तो आप, यू डोंट डिजर्व टू बी माई एसोसिएट। अगर आप धीमे हैं, धीमे बंदे भी यहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप अगर मुकदमा नहीं जीत सकते तो मैं आपको क्या, नफलों के लिए रखा हुआ है यहां पे, सवाब के लिए रखा हुआ है। बात यह है, यू नीड टू हैव द अबिलिटी टू गो फॉरवर्ड। मुझे कभी इस चीज की तकलीफ नहीं हुई, और मुझे वैसे होती है तकलीफ कि जो मेरे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एसोसिएट्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं। इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनको आगे जाना चाहिए, मास भाई एक डेढ़ हैं जिनको आई एम वेरी हैप्पी टू कीप ऑन एज वेल, बिकॉज वो उनको जॉब सिक्योरिटी मिली है, मुझे भी काम करने वाले हैं, उनको मैं पे भी करता हूं। आपने अपने आप को करियर में वो बनाना है कि यू आर इररिप्लेसेबल, यू आर लेजर फोकस्ड ऑन योर ओन अर्निंग, और यू आर नॉट अ नाइस पर्सन, यू आर अ पर्सन। हाँ मैं कह रहा हूं बदतमीजी मत करो, लेकिन यू आर अ पर्सन के सामने से आप वकील के तौर पे आ जाओ तो दूसरे वकील को मसला पड़ जाए कि नहीं यार तैयारी करके आंदा है, ते कर भी जाता है और मैनेज भी कर लेता है, बड़ा सुथरा है, काम हासिल कर लेता है। कई एसोसिएट्स हमने मेरे साथ बीच में थे, सैयद अली जफर साहब के साथ मांडवी वाले जफर में मैं काम करता था, कई एसोसिएट छोड़ के गए, उनके क्लाइंट्स उनके साथ चले गए अली साहब के। मैं जब छोड़ के गया तो मेरे साथ कोई भी नहीं आए, बिकॉज मैं धीमा था, मैंने कल्टिवेट नहीं किया हुआ था, मैंने बात नहीं बनाई हुई थी, मैं सस्ते में उनको नहीं ऑफर करता था। स्टफ लाइक दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, बिकॉज इट इज अबाउट योर कमाई एंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर आप शराफत के शरीफ होना बहुत जरूरी है, बदमाश वगैरह दो नंबर जेड़े होते ना कट दे रहे हैं ये वो भी वेले हो जाते हैं डाउन द लाइन जाके। बट वॉट आई एम टेलिंग यू इज कि आपका बचपना खत्म हो चुका हुआ है, आपके वालदैन ने नहीं बताया, अभी भी वो आपको बीच में उस तरह ट्रीट बच्चों के तौर पर ट्रीट करते हैं। बट यू आर लॉयर्स नाउ, यू हैव टू बी लायंस नाउ, और अपना झपट के आपने बीच में किसी को किल करके हासिल करना है। सो और ये नेचर का तरीका है, आप रोते रहें जितना मर्जी भूखे के अंदर, ये वगैरह या आप खाए जाएंगे या आप खाएंगे।
किल और बी किल्ड है यहाँ पे मेहरबानी करके बी लाइक दिस. सो ये वाला फोकस प्लीज, अपना एटीट्यूड इज व्हाट यू नीड टू फिक्स एज वेल. मुझे नहीं जरूरत, बिकॉज मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूं, मेरे पास काम आ जाता और मुझे एबिलिटी मिल गई, बट आपके लिए वो चाहिए, यू नीड दैट, बिकॉज आपके नहीं जाजे वगैरह कोई थे या करके, या वालिद साहब बीच में पार्टनर है किसी बड़े चैम्बर वगैरह के अंदर. इवन ही नीड्स, जिसकी मैं बीच में बात कर रहा हूं, इवन ही नीड्स अ किलर इंस्टिंक्ट, बिकॉज उसने खुद काम हासिल करना है, उसने खुद अपने पांव में करना है, अदरवाइज बड़े दरख्तों के नीचे पौधे नहीं उगते. और मैं अपने वालिद साहब के और उनकी वजह के बावजूद इसलिए थ्राइव कर रहा हूं कि मैंने सिविल कोर्ट के फट्टे से काम किया है, और मैंने हर दफा हर वक्त अपनी मस्जिद अपने वालिद से लैदा रखी है. अगर आपके वालिद बीच में वकील हैं, आपको उनके साथ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम अलहदा बात करेंगे. अगर आप लड़की हैं और लड़कियों की को ड्रेस कर रहा हूं, तो आपको किस तरीके से इस प्रोफेशन के अंदर होगा, क्या मुश्किल आएंगी उसकी तरफ. सो जॉब प्लेसमेंट एंड अर्निंग इज व्हाट दिस वकालत इज अबाउट. ठीक है, इंसाफ देना, हकूक दिलवाने, ये चीजें वो अपनी साइड के ऊपर है, बट बॉटम लाइन इज इफ यू आर नॉट ईटिंग देन यू ईट व्हाट यू किल. जो हासिल करोगे. शादी कितनी देर के बाद होगी? 2-3 साल. अच्छा, कितने बच्चे होंगे? अबू तुमने तो नहीं सोचना, तुम्हारे अबू वगैरह ने, हमें ये हम शहजादों को ये बीच में मसला होता है, हमारा पहले से सारा कुछ प्लान किया होता है उन्होंने कि इधर भी जाना है वगैरह, एंड तूने हाईकोर्ट का भी जज बनना है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमने उनको फिर ऐसे मौके के सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज बनना है नहीं हुआ, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि रोजी रोटी नहीं कमानी और वकालत नहीं करनी. सो स्टफ लाइक दैट. कानून की दो लाइन्स हैं, ये आपको कई बंदे बेंच की तरफ जाते हैं, टीचिंग भी आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस अब आ गए हुए हैं कमाई के लिए या कमाई सप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन बिजनेस आप नहीं कर सकते लाइसेंस के साथ. आपने ये कहा था कि मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं तो आपको लाइसेंस छोड़ना पड़ेगा. लॉ रिलेटेड चीजें आप कर सकते हैं ये करने के लिए. और भी क्या है, किस साइट के ऊपर जाना है वो आपने एम करना है. अब इब्तदा के अंदर आप सोचेंगे कि जी मैंने क्या सिविल का बनना है, फौजदारी का बनना है, बैंकिंग का बनना है, या जो जज साहब अभी आए होते कि टैक्सेशन के अंदर जाना है. इस सवाल का क्या क्या जवाब है, मैंने पहले भी बताया, आपने अपने आप को लिमिट नहीं करना. अगर आपने ये कहा कि मैं फौजदारी का करूंगा, तो क्या 50% सिविल के मुकदमों से कमाई करने में आपको कोई मसला है? अगर आप कहेंगे कि नहीं जी मैं सिर्फ टैक्सेशन पे जाना, तो आपकी तो वो यहां पे जज साहब वो जिक्र कर रहे थे, मरवत साहब ने जो भी कहा उन्होंने, तो आपकी वकालत के साथ तो फिर वही हो जाएगा, राइट? बिकॉज अगर 2% क्लाइंट वहां पे है कॉर्पोरेट के अंदर, आपका स्किल सेट नहीं है कॉर्पोरेट करने का, अंग्रेजी नहीं आती, यू आर नॉट वेल कनेक्टेड, तो डू यू थिंक. और कॉर्पोरेट में भी अगर आप नीचे लेवल के ऊपर है, कमाई कोई नहीं है, तनख्वाह के ऊपर ही बैठे रहोगे, 5 साल के बाद छोड़ के भी जाओगे किसी चेंबर के ऊपर, तो यू विल नो क्लाइंट विल कम विद यू, वो बड़ी फर्म के साथ ही रहेंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे, मिलेगा तुम्हें बीच में शायद महीने का 40,000-50,000 वहां से करेंगे. मुझे 7 महीने के बाद मांडवी वाले जफर के अंदर तनख्वाह मिलनी शुरू हुई, 18,000 से मुझे शुरू करवाया गया. 8-7 महीने मैं अपना पेट्रोल खुद ही चला के आया करता था, मेरे वालिद साहब सिटिंग जज थे, उन्होंने मुझे रखा, लेकिन फिर भी नहीं उन्होंने मुझे पैसे दिए. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज डोंट एक्सपेक्ट मनी यहां पे इस प्रोफेशन के अंदर. पैसे आपको किसी और जगह से लॉ रिलेटेड के अंदर अपने छोटे मोटे मुकदमों से बार वोकेशनल कोर्स से मिलेंगे. यू कैनॉट एम फॉर बड़ी चीजें. ये छोटे मोटे मुकदमों से तुम्हें 2-3 महीने की तुम्हारी तनख्वाह वहां से पूरी हो जाती है. सो किसी का चेंबर आप किस लिए ज्वाइन करते हैं? उसकी फाइलें देखने के लिए, उसकी उसके केसेस के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, और कैसे ड्राफ्ट करते हैं. यहां पे एक दोस्त ने, किसने कहा था कि जी यार वो मुझे तो सिर्फ डेटों के लिए भेजते हैं, मेरे उस्ताद अभी कौन कह रहा था यार 5 मिनट पहले, इधर एज इन ब्रेक से पहले किसी ने मुझे कहा था यहां पे कि जी मेरे उस्ताद साहब तो मुझे सिर्फ डेटे लेने के लिए भेजते हैं. मेरे पास ऐसे एसोसिएट्स भी आए हैं एडवाइस करने के लिए, जो कहते हैं कि सर 25 मुकदमे होते हैं, 25 के 25 अर्जान होते हैं, सर हमें कुछ सिखाते ही नहीं है.
एंड वो कहते हैं कि जी हमने आपका चेंबर में अहमद साहब करना है क्योंकि आप बैठ के यहाँ पे करते हैं। बात यह है कि अगर आपका बाप भी होगा तो वो आपको नहीं सिखा सकता वकालत। द पर्सन हु कम्स टू मी एंड सेज कि जी वो मेरा उस्ताद नहीं सिखाता, ही इज स्टूपिड, बिकॉज उसको एक्सपेक्ट आप ना किसी के पास सिखाने का टाइम है, ना आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको बैठ के यहाँ पे सिखाएगा। आप किसी का चेंबर ज्वाइन करते हैं उसकी फाइलें और उसके केसेस देखने के लिए, उसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए, उसके एयर कंडीशन में ठंडा रहने के लिए, और उसकी वहां पे जो कोर्ट में है उसके केसेस में एसोसिएट करके उसके दाएं पे खड़े होके जज को अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि जब 25वें केस में जब अपना पहला जाती लेके जाएंगे तो उसी गवाची गाह नहीं होगे। आपने अगर सुबह 25 मुकदमे लगे हुए हैं जिनमें 24 में एडजर्नमेंट होनी है, आपने अगर 24 फाइलें नहीं खोली तो यू आर द बिगेस्ट इडियट इन द वर्ल्ड। और मैं ये मोटे भारी वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये लोग जो एसोसिएट बन जाते हैं वो अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें पैसे भी दो, पे हम बैठे भी अंदर रहें। क्या 24 केसेस लगे हुए हैं, हर केस हर स्टेज पे, हर केस में ऑर्डर शीट है, किसी में रिटन स्टेटमेंट है, किसी में आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं, किसी में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन देनी है, किसी में ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन का जवाब देना है, दिया हुआ है ऑर्डर शीट में, लिखा हुआ है हर स्टेज को। इस तरह पढ़ के आप सीखते हैं कि पूरा मुकदमा शुरू से एंड तक कैसे चलता है। फाइल अगर नहीं खोलते उस मुकदमे की और इस तरह सोच के नहीं करते कि मैं मुकदमा अगर बहस कर रहा हूं आपको नहीं, मेरे क्लाइंट ने पैसे, मेरा क्लाइंट मुझे जूते मारेगा अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे से बहस करा दी और तुम्हारे से आगे 12 और भी एसोसिएट्स हैं मेरे। व्हाट यू आर सपोज टू डू, जिस चेंबर में भी बैठे हुए हो फाइल को पढ़ के एग्जामिन करो कि मैं कैसे नोट्स इसमें बना सकता हूं अगर मैं बहस कर रहा हूं, ये है मैं उस्ताद के साथ कोर्ट जाता हूं अगर एक केस में उस्ताद बहस कर भी रहते वो ये क्यों कह रहा और ये क्यों नहीं कह रहा। वो उस्ताद आपको तनख्वाह जरूर देगा जिसके लिए आपने नोट्स बनाए होंगे, वो उस्ताद आपको जरूर देगा तनख्वाह जिसके लिए आप एक अथॉरिटी निकाल के दे देंगे और आपको वो नहीं जाने देगा अपने दफ्तर से। अदरवाइज मैं अपने 12 एसोसिएट्स में 4 के नाम भी नहीं जानता, किसी की सिफारिश के ऊपर वो बैठे हुए हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, वकीलों के बच्चे हैं, जो भी मुझे कहते हैं मैं कहता हूं 100 बिस्मिल्ला, बट मैं जबरदस्ती नहीं करवा सकता उनके साथ। सो प्लीज अंडरस्टैंड एसोसिएट होने का पहली आप इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, अपने भी पैसे नहीं कमा रहे मार्केट में जाके, वहां पे गप्पे भी लगा रहे हैं, लड़कियां अगर चेंबर के अंदर उनके साथ गप्पे ही हा ओ आ ये वगैरह सारे के सारे माहौल अच्छा बना रहता है, बट इफ यू हैव नॉट लर्न हाउ टू डू द वर्क और उसकी पढ़ोगे कि ड्राफ्ट उसका किस तरह है, क्या गलती है, वकालतनामा किस तरह है, मुंशी से बना के रखो वो तुम्हारे बॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुंशी तुम्हें डेटों के लिए करता तो 15 जजों के सामने पेश करवा रहा है ना यार, 15 जज तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं, वो अहमद क्यूम के चेंबर से है और उसको ये पता होगा इसके अंदर ये है, इसमें ये है, इसमें इस तरीके से ये कर रहा है। एवरीवन आउट ऑफ 100 मेरे ख्याल में सिर्फ 5 या 7 लड़के बीच में लड़कियां एसोसिएटशिप का प्रॉपरली फायदा उठाते हैं। बड़ी आपको मलिक कयूम साहब के अगर आप दफ्तर में जाते हैं, मेरा भी चेंबर था ये करके, दोज एसोसिएट्स वर स्टूपिड हु वेंट एंड वर्क्ड विद माय फादर बिकॉज वो इब्तिदा के अंदर थे, सुप्रीम कोर्ट के साथ अब्बा जी के साथ चले गए, बेंच नंबर 1 में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट के किंग हो गए, उनकी वो बनाते रहे, वालिद साहब फौत हो गए या छोड़ के गए तो उनसे तो सादा दावा नहीं तैयार किया जाता, उनको कोई जानता ही नहीं है, अब्बू की फाइलें उठाने के लिए तो नहीं है। मैंने इसी वजह से मैंने अब्बा जी ने और अब्बा जी ने मैंने कहा तू अलहदा मैं अलहदा, नीचे के सिविल कोर्ट के मैं हैंडल करता हूं वो अलहदा करते थे। सो इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट के यू स्टैंड ऑन योर लेग्स और ये जो मटीरियल हैं ये फाइलें इसलिए हैं, किसी ने नहीं आपको सिखाना, प्लीज क्लियर हो जाए। यहां पे बार वोकेशनल कोर्स में थोड़ी चीजें दिखा दी हैं, जो मुकदमे लगे हुए हैं फाइलें उसकी नहीं खोलते, अगर उस्ताद हाथ नहीं लगाने देता मुंशी जाओ इस ये बहुत अच्छी ग्राउंड है चेंबर चेंज करने की। कई कहते हैं कि जी मुंशी नहीं हाथ लगाने देता, ये मैं आपको कहूंगा कि मेरे कागज आगे पीछे ना कर दो या फाइल खोल के एक टुकड़ा अपने पास पड़ा हुआ है, मैं कोर्ट में बहस कर रहा हूं तो पता चला आपके डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है।
बट योर थिंग इज यू नीड टू, मेरे अगर कल मंडे को 5 केसेस लगे हुए हैं तो माय एसोसिएट्स बेटर बी देयर, अगर उन्होंने वैल्यू लेनी है कि टू बी रीडिंग द फाइल राइट नाउ और उसके अंदर के क्या हो रहा है, और ये जाके मेरे से ज्यादा उनको तकलीफ होनी चाहिए मुंशी से कि भाई इनके बीच तमीला हो गई है, ऑर्डर शीट आखिरी ऑर्डर क्या था, अब क्या आखिरी ऑर्डर शीट से पता चलेगा क्या होगा, ऑर्डर शीट देखोगे तो पता चलेगा ना कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर शीट पता। मेरे ऐसे भी एसोसिएट्स हैं जिनको मैं साथ लेके गया, और ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें आप खत्म करोगे तो वकील बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। मेरे पास ऐसे भी एसोसिएट्स हैं जो कि मेरे साथ कोर्ट गए, हम उठ के वापस आए, मैडम से मैंने पूछा कि मैडम, और मैंने बहस की आधा पौना घंटा, और गाड़ी में बैठे वापस आ रहे तो मैंने कहा मैडम जज साहब का नाम क्या था, सर मुझे तो वो नाम ही नहीं पता था। मैंने कहा जी मेरे हमारा केस क्या था, उसका थोड़ा बहुत पता था लेकिन उसका भी नहीं पता था। मैंने कहा कि जी सुबह जो अर्जेंट केस के अंदर फलां केस हो रहा था उसके अंदर क्या हुआ था, जी मैं आई वॉजेंट पेइंग अटेंशन, जो फलां केस हुआ था जी मैं बाहर सिगरेट पी रहा था या मैं बाहर गप्पे लगा रहा था। अंडरस्टैंड दिस कि उस्ताद के साथ जब आप जाते हैं, योर थिंग इज कि इसके साथ ये उस्ताद कौन सी किताब लेके जा रहा है, कौन सी किताब इस्तेमाल कर रहा है, सीपीसी जरूर साथ जानी होती है ताकि आप क्या ट्रेन कर रहे हैं कि मैं जब करांगा तो मुझे कौन सी चाहिए, जज कौन सा मांग सकता है, ये कंप्यूटर में अगर नहीं आ रहा तो आपने फिर वक्त जाया किया। जज का अगर नाम नहीं पता, पता नहीं कि जी हमने शाहिद करीम साहब के सामने सुबह पेश हुए थे, शाहिद करीम साहब ने पहले मुकदमे के अंदर खारिज किया था इसलिए कि उसने बीच में फलां चीज नहीं डिस्क्लोज की हुई थी, सेकेंड मुकदमे के अंदर उन्होंने रिलीफ दी थी बिकॉज उसने ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी शायद वो कॉपी मांगता है, तीसरा इसलिए एडजर्न किया था क्योंकि वकील तैयार ही नहीं था, उन्होंने बड़े गुस्से के साथ उनको ये किया था। बात ये है व्हेन यू गो टू कोर्ट यू आर नॉट ओनली देयर फॉर माय केस, यू आर देयर टू एनालाइज द जज के भाई ए की करता है तो मैं की करता हूं, अगर इसके साथ ये कर रहा है बिकॉज आपको पता ही रहा हूं आपकी उस आपको मुकदमे वो उसी नौयत के मिलने जो उसके पास लगे हुए राइट डाउन द लाइन, या अभी भी मार्केट में अगर एलडीए के खिलाफ एलडीए कर रहा है जौहर टाउन के 75 बंदों के प्रॉपर्टीज कर रहा है, मैं एक मुकदमा कर रहा हूं तो योर चांसेस फॉर गेटिंग केसेस फ्रॉम 74 अदर्स इज देयर राइट। मैंने जो ड्राफ्ट किया आज किस तरीके से किया, या आपके हमसाय में एलडीए आके कोई चीज तोड़ने के लिए जा रहा है तो यू आर लर्निंग दैट। आप सिर्फ मेरे 5 या 10 मुकदमों तक क्यों अपने आप को महदूद करते हैं जबकि जज की कॉज लिस्ट 28 केसेस की है, मेरा 18वें नंबर पे लगा हो तो पहले 18 पे देखो, अर्जेंट में वो क्या करता है वो तो देखो, नीचे जाके क्या करते हो वो तो देखो, बट नन ऑफ यू डू दिस एंड यू एक्सपेक्ट कि यू नीड टू बी पेड एंड यू एक्सपेक्ट के जी नॉट ओनली यू नीड टू बी पेड के जी वो मैनू कोई सिखाता ही नहीं। अगर होता तो मेरा बाप मुझे टीका लगा के बड़ा जबरदस्त वकील हो रहा था, लेकिन उसने हर दफा मुझे ये कहा मेरे पे वालिद साहब ने ये रहम किया कि तेरी अखा है गया जा आप कर, नाउ दैट ही इज नॉट हेयर आई कैन डू इट, नाउ दैट ही इज नॉट हेयर मैं रिसर्च करके निकाल सकता हूं। उन्होंने कहा मैनू भी कट के दो, आप पे एहसान कोई कर रहा होता है कि वो आपको अपने दफ्तर के अंदर रखता है, कायदे आजम के जमाने में वो अपने उस्ताद को पैसे उसका चेंबर इस्तेमाल करने के लिए देते थे, यहां पे काबिल लोगों को फिर भी इनकरेज करने के लिए देनी चाहिए स्कॉलरशिप सपोर्ट भी अच्छे चेंबर्स वगैरह में। बट व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज एसोसिएट होना समझो किस चीज के लिए, व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। मैं फिर कह रहा हूं इट इज ऑल अबाउट बींग जेलस एंड सेल्फिश लाइक एनी थिंग, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट। उसकी रिसर्च की है तो चुपके उन्हें फड़ा के छुट्टी नहीं हो गई, अपने रजिस्टर में लिखो बिकॉज आपका जब मुकदमा वो आएगा एंड मुमकिन दूसरी साइड से आपने 18 केसेस देखे उस्ताद को आपने एक दिया, उन 18 केसेस का लिखो भाई बिकॉज आपकी नॉलेज इससे एक्सपैंड कर रही है, तुसी नहीं करोगे तो ठीक है फिर तुम 1-1.5 केस के ऊपर। अगर केस को आप इस पर्सपेक्टिव से नहीं लेंगे कि जो मेरे उस्ताद का जो है वो मैं जाती तौर पे कर रहा हूं, तो उस्ताद ने तो आपको एक नुक्ता रिसर्च करने के लिए दे दिया और आपने वो नुक्ता रिसर्च कर लिया तो आपने यही सीखा।
अगर आप मुकदमे को लेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट में ये चीज होनी चाहिए, ये है अब सॉरी प्लेंट हमने जो जमा करवाई उसमें ये है, अब रिटर्न स्टेटमेंट आ गई हुई इसमें तो ये मसला हो गया, तो अब इसको मैं कैसे करूंगा करूंगी या वगैरह, इसका मैं क्या तोड़ निकाल सकती हूँ, इसमें ये एप्लीकेशन देनी चाहिए 7-11 की ये, तो यू आर लर्निंग हाउ यू आर गोइंग टू डू इट इन योर ओन केस। अगर आप अपने उस्ताद की उस दिए हुए काम के अंदर महदूद रहेंगे, और जो मेरे पास एसोसिएट आता है मैं उसको बहुत काम देता हूं, जो एक दफा देता है उसको मैं चार और देता हूं, जो एसोसिएट को काम दे दिया और वो जाके गप्पे लगाना शुरू कर दिया या वापस नहीं आया तो अगली दफा मैं नहीं दूंगा। व्हाई शुड आई गिव हिम वर्क, मैं पागल हूं, बीच में तैयारी रात को 2-2 बजे बैठ के फिर मैं कर रहा होता हूं। आई डोंट गो बैक टू देम, चाहे किसी के भी बच्चे हों, किसी ने भी मेरे पास रखवाया, जो एसोसिएट मेरे से पहले चले जाता है या चली जाती है, मुझे ये बताओ मैं आपसे मिलों आ गया हूं, कम अज कम मेरा ख्याल है, तो आपने मेरे से मुझे अगर पकड़ना है या मेरे से आगे निकलना है तो मेरे से कम मेहनत पे पकड़ सकते हो मुझे, मेरे से पहले आए बगैर ये मेरे बाद जाए बगैर आप किसी तरीके से यहां पे आगे जा सकते हो कि नहीं। ये नुक्ता अगर आप अपने पल्ले नहीं बांधोगे आप लिटरली अपने साथ जुल्म कर रहे हो, और लिटरली कर रहे हो, जिंदगी गुजर जाती है बट नुक्ता ये होता है आकड़ आपकी वकील की होने की, आई एम द टॉप, आई एम द बेस्ट, मैं ज्यादा कमाता हूं, मैं और ज्यादा कमा सकता हूं, एंड में सारों ने मर जाना है, नो नेम वकील वगैरह मकबरे भरे हुए हैं, मकबरे के कब्रिस्तान भरे हुए हैं, बट बात ये है कुछ करके गुजरो यहां से और छा के गुजरो और बेहतर बन के करो, और कहो कि यार मजा आया यार, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे गया मैं, आपको मजा आया यार, मैंने बीच में इसको फलां को हुकूक किया और जज ने मेरी तारीफ की, मजा आया कि शाहिद जमील साहब आप आके मेरी तारीफ कर रहे थे, मजा आया कि जज साहिबान और कहते हैं कि जी अच्छा काम करता है, दो नंबरी नहीं करता, तो ये है आपका असल में मजा आया कि आप मुझे सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, आप सारे के सारों ने इधर आना है, लेकिन वेले बंदे नहीं आ सकते यहां पे, जितने भी इस कुर्सी के ऊपर आके बैठे हैं उनको आपको मैंने हर दफा ये कहा है, उनको आप एक बंदे की भी जुबान नहीं लड़खड़ाती, एक बंदे ने भी आपके सामने आके आपने कोई कानूनी सवाल किया उसका फिंगर टिप्स पे था कि उनको किसी ने टीका लाया हुआ, ऐसी उसने काम किया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे वालिद साहब के बारे में ये कहा जाता था, ये लेजेंड ऑफ द प्रोफेशन उनको कहते थे, कि वो जी वो देव है मलक तो यूं मौत आंदा है उनके सामने फाइल आंदी है तो उन्हें इस तरह पता चल जाता है, गॉड गिवन टैलेंट, नो कोई गॉड गिवन टैलेंट नहीं होता, कोई एबिलिटी नहीं होती, आपकी मेहनत पे करते, मेरे बाप ने जब उनके वालिद साहब सुप्रीम कोर्ट में भी थे तो फट्टे से काम करते थे, आपको मैंने वहां पे दिखाया, सदर बार भी रहे, सेक्रेटरी बार भी रहे, उन्होंने वहां से सिविल कोर्ट से काम किया, और वो इसलिए उनको पता चल जाता है कि वो काम उन्होंने किया हुआ था, फाइल उनके सामने आती है तो उन्होंने इतने मुकदमे भुगताए हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, ये सारी चीजें, वो भी बाय द वे आपने अपने करियर में बनाना है कि मैंने गवर्नमेंट साइड पर जाना है, DAG लगना है, अटॉर्नी जनरल दफ्तर के साथ, वो आपके काफी अरसे के बाद है, अभी आपके जहन में नहीं है बट 5-7 साल के बाद उसके बारे में भी सोचिएगा जब हाईकोर्ट के वकील बन जाए। बताना आपके सामने ये जा रहा हूं कि हर बंदे ने मेहनत की है जो यहां पे सक्सीड किया है, 99 या तो फिर किसी जज की बेटी से जाके शादी कर लें, और कोई काम ही है यहां पे जजेस वगैरह सारे के सारे, और फिर आप वो बीच में करके दामाद बन के जब तक वो जज साहब वहां पे बीच में मौजूद है नाम बेचते रहे, हराम कमाते रहे और ये करते रहे, या अदरवाइज कोई तरीका नहीं है, जिंदगी के अंदर काम करना आना चाहिए यार। इस तरीके के ये जो सारी की सारी गेमें हैं वगैरह, बताना ये चाह रहा हूं आप तमाम दोस्तों के पास कि इसी वजह से जज साहबान के बच्चों से शादियां करवाते हैं, बाहर नहीं करवाते, ये करके ये देखो शुड हैव सेड दिस वैसे, बट आपके सामने यहाँ पे माशरे के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। आप सब देखो, वन थिंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ, आप सारे यहाँ पे बैठ के जिस जो आपने ये 6 हफ्ते काम वगैरह किया है, अब वो तो मैं आपको डराने के लिए यहाँ पे लाने के लिए कह रहा था कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस 0 हैं, बट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट के दैट मोर देन हाफ ऑफ यू आर गोइंग टू माशाल्लाह शाइन इन दिस करियर, और आप इसको आगे लेके जाएंगे, इन्ना भी मुश्किल नहीं है कि मैं तनू बीच में डरा के यहाँ से भगा दूंगी हर दफा नेगेटिव ही करें। इस प्रोफेशन का इतना मजा है,
इसका इतना चस्का है कि मैं बिस्तर से रोज निकल आता हूं। अल्लाह मियां की सबसे बड़ी देन ये है कि जो आप चीज इंजॉय करते हो वो आपका करियर बन जाए। इसमें मजा अगर आप नहीं ढूंढेंगे, काम में मेहनत में मजा आप नहीं ढूंढेंगे, तो यू विल नॉट एंजॉय इट। बट मैं आपको कह रहा हूं, मुझे क्या पड़ी हुई है, मैं आपके सामने यहां पे बैठ के एक बातचीत वगैरह कर रहा हूं, और मैं बाय द वे सुप्रीम कोर्ट के भी मुकदमे भुगता रहा हूं आपके, थ्रू आउट दिस टाइम हाई कोर्ट में भी मैंने किया है और यहां पे भी रिलीफ हासिल किया, ये भी किया। इट ऑल्सो हैपन्स, थक हार के कमर अपनी तुड़वा के मैं दफ्तर जाता हूं, फिर मैं काम करता हूं 5-6 घंटे, सारे संडेज मैंने काम किया है बिकॉज आई नीडेड टू कैच अप ऑन माई वर्क। अगले हफ्ते का कल भी मैंने काम करना है, इतवार पूरा दिन मेरा लगेगा यहां पे दफ्तर के अंदर। सो पता, और मैं बड़े शौक से करता हूं, आई लव दिस प्रोफेशन लाइक एनीथिंग। आपके सामने ये मैं बार 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 ये बता रहा हूं, यू नीड टू डेवलप अ लव फॉर इट। मैं आपको पुट ऑफ करने के लिए यहां पे नहीं बैठा हुआ, आप इतनी तादाद में मौजूद हुआ मैं तो आई एम श्योर आप पसंद से ही प्यार से आए हैं इसके लिए, और आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेरी वेल। बट वंस अगेन, प्लानिंग के साथ सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो छा जाओगे, ज्यादा चांसेस है कि छा जाओगे। नहीं करोगे तो बीच में मसला पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, हर उस चीज को, सारी चीजें करनी सीखो जो कि तुम्हें 2 साल में मिल सकती हैं। अगली स्टेप ये आई, और खासतौर पे मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा, आप 4 साल की आपकी स्टैंडिंग है, आपने हाईकोर्ट का काम नहीं सीखना अभी, आपने रिटेन नहीं करनी, ना सुप्रीम कोर्ट का काम सीखना है, ना सुप्रीम कोर्ट के में जाके जजेस का असिस्टेंट लग जाना, ना हाईकोर्ट में जजेस का असिस्टेंट लग जाना है। यू शुड ऑल बी अबाउट हाउ एम आई गोइंग टू गेट द केस, और उन चीजों पे सीखने के लिए अपने उस्ताद से पे फोकस करो। उस्ताद वो है जिसके पास बहुत ज्यादा काम है ट्रायल कोर्ट का आपके अभी के लिए, जिसके दिन में 32 मुकदमे लगे हुए हैं और 32 फाइलों का आपका एक्सेस है। उस कॉर्पोरेट चेंबर का या उस उस्ताद का या कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का कोई फायदा नहीं जिसके पास हाईकोर्ट के लेवल का केस है या एपलेट वर्क है। मोहम्मद अहमद कयूम के दफ्तर का कोई फायदा नहीं जो हाईकोर्ट में अपीलें करता है या सुप्रीम कोर्ट में करता है और ट्रायल के लिए सिर्फ सैटरडे को जाता है वहां पे सिविल कोर्ट के अंदर, और सिविल कोर्ट में उसके वैसे ही कोई 5-10 मुकदमे और उसके पास 5-10 मुकदमे आर्बिट्रेशन मल्टी बिलियन रुपीज की हैं जो कि आपको अगले 10 साल तक नहीं मिले। आपने ढूंढना है वो उस्ताद जिसके पास रेंट के मुकदमे हो। सारी चीजें जो मैंने आपको यहां पे गौर ये था वो मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि आप वो उस्ताद ढूंढें जो चीजें हमने आपको सिखाई हैं। आपको बीबीसी का मतलब ही ये था कि वो चीजें सिखाएं जो 2 साल में जिससे आप ईमानदारी से कमा सके। इसलिए टैक्सेशन भी अगर मगर वाली चीज थी, और टैक्सेशन जज साहब को हम बुलाना चाह रहे थे, और वैसे भी हमने इवन अदरवाइज उन्होंने ओवरव्यू जरूरी होता है उसके लिए उन्होंने बीच में लेक्चर दिया। बट बात यह है वो फील्ड करें, आपने अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका दिल है कि अल्टीमेटली जाके मैंने सिविल करना है, तो आपका प्लान ये होगा कि पहले सिविल अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले 3 या 4 महीने आपने क्रिमिनल ट्रायल के चेंबर में जाके काम करना है, वहां पे ट्रायल का काम करना सीखना है, बेल करवानी सीखनी है, प्राइवेट कंप्लेंट करनी सीखनी है। उसके बाद जाके जिस फील्ड पे आप फोकस करना चाहते हैं 4 महीने के बाद वहां पे जाके 6-8 महीने आप काम कर लें, उधर सीख लें, ताकि क्या हुआ 100% क्लाइंट्स आप हासिल कर सकते हैं। मेरे तरह के शहजादे ना बने, मेरी सारी डिग्रियां बाहर की हैं, मैंने आके काम सिर्फ सिविल का किया, मुझे फौजदारी आता नहीं, आधे मुकदमे मुझे किसी और को देने पड़ते, अपने क्लाइंट के भी मुकदमे किसी और को देने पड़ते, और कई दफा वो कोशिश करते हैं कि वो क्लाइंट मेरे ले जाए। टू परफॉर्म, कभी किसी क्लाइंट को जिंदगी में ना नहीं करना। मैं शहजादा हूं, मैं कह सकता था, और अब्बा जी मुझे उस पर बहुत गालियां निकालते थे कि तू क्यों कर देता, मैंने कहा जी मैं नहीं, मैंने आई एम, वो कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं। मेरे वालिद साहब का तरीका जो कि मेरे से फर्क है उनका ये था, बना के मुकदमा फेंक दो अंदर, बाद में ठीक। आपके क्लाइंट्स कहां से आएंगे, आपके दोस्त, आपके अपने जाती इलाके से। अगर आप भक्कर से हैं, अगर आप अदील छीना हैं जो फराद अली शाह के जूनियर थे,
यहाँ पे लाहौर में फौजदारी का काम कर रहे थे, उसने बड़ा सीखा। एक दिन पता चला दिल छीना, वापस चला गया बकर। वो तो इधर दो तीन साल टकरे मारने के बाद उधर जाने का क्या तुक। वो वहां पे मर्डर के केसेस में छा गया बिकॉज उसका वहां पे कनेक्शन था। आपका आप आए हैं फॉर एग्जाम्पल मियाँ वाली में से हैं या आप किसी जगह से, लाहौर में आपका एक भी कनेक्शन नहीं है, आप कहते हैं यहाँ पे मैंने तो लाहौर में ही करना है, और आप लाहौर आ जाते हैं और खर्चा भी करते हैं और बेशुमार खर्चा करते हैं रहने का, फैमिली भी आपको आ जाती है ये करना आप करके यहाँ पे आ जाते हैं, क्लाइंट कितों आएगा यार, किसी को ही पता। आप मियाँ वाली के स्टाइल में है, आपका लिबास, आपका बोलने का अंदाज, ये वो वगैरह, यहाँ पे आपका क्लाइंट जिस फील्ड में आपका, आप कॉर्पोरेट वकील बनना चाहते हैं, नहीं बन सकते अनटिल यू इधर चेंज या यू गो बैक टू मियाँ वाली एंड डू इट द मियाँ वाली स्टाइल। सो बात ये है कि आपने वहां पे जाना है वकालत वहां पे जहां पे आपको काम मिल सकता है। इट इज नॉट अबाउट, देखिए करने को एहसन भून साहब भी यहां पे आए, आजम नजीर तारर साहब भी यहां पे आए, बड़े चेंबर्स को ज्वाइन करके खोसा साहब के ये वो उन्होंने भी किया है, मगर 100 में से एक या दो। क्वेश्चन इज वेदर यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क और अपने आप को चांसेस ऑफ सक्सेस मैक्सिमम देना चाहते हैं कि नहीं। तो प्लानिंग में मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ, आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, मगर मैं आपको नुक्ते ये बता रहा हूँ कि ये चीजें गुफ्तगू आपको करनी पड़ेंगी। आप इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी हर बंदे की सिचुएशन अलहदा है, हर बंदा मुख्तलिफ जगह से है, हर बंदे का अपना अलहदा अंदाज है, और ये जो स्किल सेट आपको मैंने लिख के दिया, आपने ये भी देखना कि मेरा जो टारगेट है उसके अंग्रेजी आती नहीं है, आप बैरिस्टर नहीं है, डिग्री आपकी है नहीं, तो सीएलएम वाले रख लेंगे यार उसको कि नहीं, अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती, बिकॉज बात ये मैं भी नहीं रखूंगा। अगर मेरा लड़के मेरे पास आते हैं पहले जुमले के अंदर, और मैं एग्जाजरेट नहीं कर रहा, पहले जुमले के अंदर 14 गलतियां, और मैं उसको हाथ से ठीक करके देता हूं, और वो दोबारा लेके आता है और उसके अंदर 8 गलतियां, मैं हाथ से ठीक करके उसको देता हूं, प्रिंसिपल अपनी जिंदगी का ये बनाए। और किसी कॉर्पोरेट अच्छे चेंबर के अंदर ये होता है, पहली गलती माफ है, दूसरी गलती पे हम माजरत के साथ यू आर फायर्ड, इफ यू रिपीट द सेम स्टुपिडिटी देन मैं यहां पे आपकी अंग्रेजी ठीक करने के लिए नहीं बैठा हुआ। सो आपका शायद मेरे चेंबर में नहीं बनता, आप जाए यहां पर उर्दू के अंदर करते हैं या फिर अपनी अंग्रेजी ठीक करें। इट इज वेरी वेरी ब्रूटल इस चीज के अंदर, या मैं आपको काम नहीं दूंगा, आप खुद ही तंग आके 6-8 महीने के बाद चले जाएंगे जुडिशरी के लिए बैठ जाएंगे, आपका आपका स्किल सेट ही नहीं है। आप 2-3 साल जुडिशरी के लिए बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के कर लेते हैं, जुडिशरी में 2000 में से 22 पैदा पास होते हैं। यू थिंक इट इज अ बड़ा अच्छा सौदा कि मैं बैठ के सारे जुडिशरी के अंदर हूं और मैं वकालत जहां पर मैं कमा सकता हूं मैं छोड़ दूं। जुडिशरी के अंदर वो ज्यादातर सवाल प्रैक्टिकल पूछते हैं, वकालत किए बगैर कोई नहीं पास होता। टॉपर जो बीबी थी मेरे दफ्तर के अंदर सबसे ज्यादा काम करती थी। तो ये चीजें भी अपने प्लान जो आपने बनाए हुए ना यहाँ पे सारे के मैं तो जज बनना है तो मैं ये करना है वो करना है, आंखें खोलें, अपने चांसेस देखें। और भी बीच में हमारे दोस्त वगैरह आए, पहले डेढ़ दो साल सीएसएस में लगा दिया फेल, फिर जुडिशरी के अंदर लगा दिया फेल, और अब मेरे पास आते हैं कि मैं वकालत करना चाहता हूं, मेरे को तो नहीं टाइम वेस्ट करने वास्ते। सो प्लीज करियर का प्लान ये करें। कोई सवाल है तो 2 सेकंड के लिए कर लें, मुझे लगता है मैं लगातार ही बीच में नसीहत करी जा रहा हूं, बोली जा रहा हूं। कोई पहले 1-2 सवाल करो, उसके बाद वी विल कम बैक टू द लेक्चर। उसको कहो कि फीस एडवांस के ऊपर है, मैं हफ्ते के अंदर करा दूंगा और कोई मसला ही नहीं है, बीच में सब कुछ मुझे आता है, उसके बाद गालियां बर्दाश्त करते रहना। नो व्हाट आई मीन लिसन द थिंग, आप तमाम दोस्तों में एक सबसे बड़ी खराबी और कमी मुझे ये नजर आती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डोंट लाई टू हिम, बट अगर आप कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट नहीं, अभी मुझे कही एक दोस्त मुझे अभी ज्वाइन करना चाह रहा था कि 4 साल की उसकी स्टैंडिंग हो गई, जो टाइम उस अब उसको अपने प्राइवेट चेंबर के अंदर बनाना चाहिए,
वो चाह रहा था कि मुझे ज्वाइन करे कि मैंने अभी ये भी सीखना है। वकालत का सच ये है कि किसी को कुछ नहीं आता, करना आता है, ढूंढना आता है, इसीलिए हमने आपके स्किल्स पे फोकस किया है और उसको इस्तेमाल करके हर मुकदमा नया होता है। टाइम का आई एम नॉट सेइंग कि मैं हफ्ते के अंदर करा दूंगा, बट इसका जवाब ये है कि प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस, कहेंगे जी जल्द अज जल्द होगा, डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, बट इसमें 5-7 पेशियां, 8-10 पेशियां, हु सेइंग यू से द टाइम, यू से कि जी इस तरीके से होगा, ये चीज एक्सपीरियंस। देखो बात ये, तुम्हारे पास जो क्लाइंट आता है तुम्हें इस सवाल का इसलिए नहीं पता कि तुमने अपने उस्ताद के साथ जाके ये काम तुमने गौर से नहीं देखा। आइडिया ये है तुम्हारा इस टाइम के ऊपर, ये जो कह रहे हो कि इन सवालों के जवाब वगैरह, दिस इज व्हाट यू सी इन योर क्लाइंट। सैयद अली जफर साहब जो कि मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया लेकिन मैंने उनसे बहुत ज्यादा सीखा है। वो मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर मार्केटिंग करते हैं और क्लाइंट्स पकड़ना उनको बहुत जबरदस्त तरीके से आता था, सोशलाइज बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत जबरदस्त आता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वो पीटीआई के भी चेयरमैन भी बनने लगे थे और सेनेटर भी हैं, ये भी है सारे का सारा, बट ही वर्क्स, और उनको देख के मैंने सीखा है। यू जस्ट मार्केट योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वकालत में कॉन्फिडेंस है। आपको आपको जीरो कॉन्फिडेंस भी है ना कि मेरा जीरो मुकदमा नहीं होता, कॉन्फिडेंस के साथ आप जज के साथ जाएंगे, नोटिस शायद हो जाए। आप डोंट लाई एवर, बट ये जो आपकी एबिलिटी है ना टू बी एबल टू वहां पे पकड़ के जजेस को भी नहीं पता होता, और जिसका कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर प्रॉपर तरीके से उसको चिढ़ाए बगैर कह दे तो हो जाता है। सो दिस इज द एक्सरसाइज एंड द स्किल ऑफ वकालत। यस उसके नीचे स्किल भी होता है, कानून भी होता है, बट वन ऑफ द वाइटल स्किल्स ऑल ऑफ यू कैन हैव इज कॉन्फिडेंस। अदर थिंग इज कि यू शुड लुक कॉन्फिडेंट, नॉट ओनली शुड यू बी कॉन्फिडेंट, यू शुड लुक एज वेल कि मेरा मुकदमा करा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, टाई अगर इस तरह हुई है, बटन अगर टूटा हुआ है और बुरे हालात के अंदर है बंदा, तो वो जज साहब भी यही कह के गए हैं और आप ताहिर शबीर साहब भी यही कह के गए हैं, यू नीड टू, अगर नहीं है गए तो कम अज कम वेखन में तो लगो, शेव करो या खत बना के आओ, लुक द पार्ट, कॉन्फिडेंस के साथ आप बीच में बैठे हो कि हां वकील साहब, साहब आपके साथ नाम के साथ तो साहब एवं ही लग जाता है, राइट? वकील बन गए हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ तो आप साहब हो गए, बट उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बंदा डर गया मर गया, कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर नथिंग, क्योंकि क्लाइंट चला जाएगा। क्लाइंट ने यह देखना जेड़ा मेरा काम केड़ा करा सकता है, या कम अज कम देखने में कि जो लगता है कि इब्तदा में तो फीस, फिर जब आप फीस ले लेते हैं तो फिर वो आपके साथ फंस जाता है और फिर उसके बाद फिर आप आगे करते रहते हैं। मगर फर्स्ट थिंग, डोंट एवर अपेयर ये करके, वो अगर पूछता है तो डील विद हिम इस तरीके से, अंदाज में करके। और सवाल जी सर? सर आपने, हमने लैंग्वेज स्किल्स हमने यहाँ पे मार्क्स दिए थे इंग्लिश उर्दू, मुझे ये पूछना था कि जो रीजनल लैंग्वेज जैसे यहाँ लाहौर में पंजाबी है, कोलोकली बोलने में कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर मुझे नहीं आता, बहुत ज्यादा मैं फ्लुएंट नहीं हूँ, यू थिंक इट विल इंपैक्ट माय करियर? यार देख, मेरे से ज्यादा कोई बर्गर बंदा कोई मौजूद नहीं है इस कमरे के अंदर, तुम हो कि नहीं है तो मैं ज्यादा, हाँ शायद तुम हो, अच्छी बात, अच्छा बात। बट बात यह है कि आप ब्रेक में, अगर आप में से चंद लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो मेरे बीच में आए थे लैया से बीच में क्लाइंट, तो मैं उनसे पंजाबी में बात कर रहा था कि सर ये जड़ा है ना, अगर लाहौर में अच्छी लाया मुकदमा किया थे, जज वैसे ही चिड़े हुए आंदे ने बाई दे विच बाई मुकदमे खारिज कर दे, तो बेहतर हैगा कि असी इस्लामाबाद विच करन या मुकदमे ना लगन साढ़े, रोक के रखो थोड़ा, कब्जे ते आन गए ते असी इस्लामाबाद लाग। आई टॉक टू हिम, आई गेव हिम कंफर्ट। एबिलिटी ये है, मेरे घर के अंदर पंजाबी बोली जाती, पत्तों की वगैरह से थे, मेरा स्किल जीरो था, ये चीज आप, आई डेवलप्ड इट माई सेल्फ करते करते, बात में करके। अगर आप नहीं करेंगे, आप भी कर सकते हैं। हाँ बताएं, आपने उर्दू में
पंजाबी से नहीं बट यार वो करना पड़ता है। देखो बात ये है कि यू फोर्स योरसेल्फ, मैं उर्दू में भी शायरी करता हूँ, पंजाबी में भी करता हूँ, अंग्रेजी में भी करता हूँ। अब यार देख हाँ नहीं देख बात बात ये फॉर एग्जांपल अंग्रेजी नहीं आती ना, अंग्रेजी गाने सुनो, अंग्रेजी टेलीविजन सीरीज देखो, अंग्रेजी करो, कान के अंदर आ जाते हैं, जुबान पे चढ़ जाते हैं। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश आपका, ताकि सो योर एक्सेंट इज इंप्रूव एंड योर प्रोनाउंसिएशन जो होती है इट गेट्स करेक्टेड। उर्दू में भी एग्जैक्टली ये सिलसिला है। लिसन टू आतिफ असलम, लिसन टू द उर्दू वाले, नहीं उर्दू के नॉट बॉलीवुड के गाने, उर्दू के ये सारे के सारे। उर्दू को जब तक आप बीच में, आपका एटीट्यूड ये है ना कि दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, यू विल नेवर सॉल्व इट। पंजाबी भी मेरे लिए बहुत है, मेरे आसपास कौन से करते, बट सुना कान के ऊपर हुआ, ट्राई टू टॉक इन दैट वगैरह, ये आ जाता है। उर्दू अखबार में रेगुलरली नहीं पढ़ता, लेकिन उर्दू अखबार मौजूद है। उर्दू ड्रामे देखो, बात ये होती है आप अपने आप को किसी जुबान में भी उस तरीके से ऐसे डालते हैं कि जिस चीज को जो आप इंजॉय कर रहे हो। अंग्रेजी नहीं आती, मैंने कहा जेम्स बॉन्ड के नॉवल पढ़ो, वो उसमें चस्का है, एंजॉयमेंट है। उर्दू नहीं आती, क्रिकेटर का क्रिकेट का अखबार वतन पढ़ो ताकि वो जुबान पे चढ़े। खबरें उर्दू वाली पढ़ लो, या टीवी जो है जियो सुनो, अंग्रेजी वाला चैनल पे मत जाओ। ये सारी की सारी चीजें हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ स्लैंग जब दोस्तों के अंदर स्टूडेंट्स था, जब I switched over to writing full sentences in on Facebook. पूरे लिखता हूँ, grammatically correct लिखता हूँ। My ability to write अंग्रेजी यहाँ पे सही है। अगर तो आपने ये लिखना है where you buddy question mark Facebook के ऊपर, तो then या messaging वगैरह के अंदर, तो then the problem you are going to have is कि where you buddy is the language of the अंग्रेजी that you are comfortable in. अगर आप नहीं पढ़ते, this is how you improve your skill. उर्दू पंजाबी के अंदर मेरा कोई सीन ही नहीं है यार। और अगर आप नहीं करते प्रोएक्टिवली घर वालों के साथ, जो है घर में काम करने वाले और ड्राइवर वगैरह के साथ पंजाबी में बात करने की कोशिश करो, लतीफा बनते हो बनो, बट उसके बाद कम से कम कोर्ट में तो नहीं बनोगे ना, तो उसके बाद देन ये रवानी आ जाती है, एक्सेंट सही आ जाता है, सुन सुन के आ जाता है, ये वो सारे का सारा। बार में बैठोगे तो आपकी द अदर प्रॉब्लम यू फॉर एग्जाम्पल सफर फ्रॉम पॉसिबली, इसके बारे में आपकी दोस्ती वगैरह बियॉन्ड योर चेंबर अगर नहीं है और हर किस्म के वकील के साथ नहीं है, तो यू विल नॉट बी एन अवामी वकील। मेरा यार जो फॉर एग्जांपल मुनव्वर सलामन के जो वालिद साहब हैं, हमने मिलके बार किया हुआ, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इन बार, बट उमर शरीफ जो एम शरीफ साहब का जो बेटा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, हमने मिलके बैंकिंग कोर्ट से वकालत शुरू की है, उसके साथ मेरी यारी है, मिलके चाय पीते हैं, ये वो वगैरह। आई हैड टू टेक माय पॉलिश ऑफ। मांडवी वालन जफर बड़े मैं बर्गर चेंबर के अंदर से था, बट आई शोड अप एट उमर शरीफ के साथ गप्पे लगा के और उसके दोस्तों के साथ आगे गप्पे लगा के बार रूम में बैठ के। बार रूम आपको इतना सिखाता है, आपको पता चलता है अगर आप सियासत से बाहर रहे ना, ये सियासी मामलों से, कि आजकल केड़े मुकदमे चल रहे हैं, किधर कमाई हो रही है, इलेक्शन पिटिशन कैसे जमा करवाते हैं, फलां जज ने तेरा मुकदमा खारिज कर देता तो मैं तो अवॉइड कराऊंगा ना यार उसको। शायद करीम साहब ये कर रहे हैं, गिला कोई बीच में वहां पे कर रहा है तो मैंने इसको अवॉइड करना है, या शायद करीम इस नुक्ते पे कर लेता तो मैंने पिटिशन फिर इस नुक्ते से नहीं बनानी, थोड़ी सी बदल के लेके जाऊंगा नए ट्रेंच के ऊपर। सो ऑल ऑफ दिस, ये प्लीज आपके साथ जो बंदे मैं कह रहा था ना कि उसको कहो जज करो, यही तुम्हारे यार हैं। और बात ये है, आई वॉन्ट और होता भी ये सारे के सारे, आपने आप में से मुझे कोई बता दे कि आपने अपने हमसायों में से, इसमें से, इस कमरे में बैठे हुए दोस्तों में से, कितने दोस्तों ने दूसरों के जिनको आप पहले नहीं जानते थे, 5 केसेस से ज्यादा आपके पास मोबाइल नंबर है, आपने खुद लिए, आई एम नॉट सेइंग ग्रुप के अंदर से, कि आप मुझे नंबर दे दें। तो तुसी वकीलां दे विच अगर सोशल वर्क नहीं कर सकते या आपकी दोस्ती नहीं बनी, तो गिव मी अ ब्रेक, आप किससे पूछेंगे, सारे मैनू ही कॉल करोगे। या बताना मैं ये चाह रहा हूं, योर एंटायर लाइफ इज अ सोशल एक्टिविटी, पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड पोटेंशियल सपोर्टर्स एंड फ्रेंडशिप,
मेरे जैसा बर्गर और घर जाने वाला और शहजादा बंदा कोई मौजूद नहीं था, बट मैं सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन जीता पूरे पंजाब से। लाहौर में मैं पहले नंबर के ऊपर आया, यहां पे बहुत बड़े 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 दो मौजूद थे, पंजाब में मैं सातवें नंबर पे था, लाहौर से मैं पहले नंबर के ऊपर आया। क्यों? मैं आकड़ नहीं है यार, और ये मैंने अपनी बदली है। मेरे से ज्यादा शाये बंदा कोई नहीं था, लड़की वाली आवाज मेरी थी, मेरे से ज्यादा शर्मीला बंदा नहीं था। मैं हर बंदे को सलाम करता हूं, क्योंकि मेरी मैं शहजादा नहीं है। जब मैं यहां पे चलता हुआ जाता हूं, आप अपना तरीका रखें, बी अप्रोचेबल, योर लुक एंड योर फील शुड बी कि हाल चाल है सर, कैसे हो, खैरियत से आए हो, कोर्ट दे विच किधर फेर रहे हो यार, आपका कोई जानने वाला कि हाल चाल वगैरह, हाँ, या वैसे ही छेड़ छेड़ दो आपस में बैठ के। यू कैन ईदर टॉक अबाउट नवाज शरीफ और ये वो सारी की सारी चीजें, या किसी पब्लिक जगह के ऊपर, या कोई कानूनी नुक्ता छेड़ दो जिसके ऊपर बंदा कह के यार हाँ यार मेरी भी प्रॉपर्टी जो है उसकी एक्विजिशन का मसला चल रहा है, या एलडीए के साथ इस नुक्ते पे फड्डा चल रहा है यार, इसका थोड़ा सा पता, यार ये मेरा कार्ड है, जेब में कार्ड अगर नहीं है जिसपे मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ तो बंदा भूल जाएगा, यार मेरा कार्ड है तो मेहरबानी करके यार, खाने के ऊपर भी डिनर पे गए हुए, ये मेरा कार्ड है यार, तू मुझे कल कॉल कर लीजिएगा, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। You get a client, you get money, you make a lot of money. So understand this, your entire life is about getting clients. Client जादू से नहीं आता, unless you have a reputation. मतलब कहीं साहब का चेंबर है उधर जाना है, CLM is famous, उधर जाना है। आपका वकालत में भी 60% is marketing. आप इश्तेहार नहीं दे सकते, लेकिन अगर कार्ड नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, आपकी लुक वकालत वाली नहीं है, आप उनके सामने, आप ये सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे आप गंदे लतीफे भेज रहे हैं, या आप बीच में बोंगियां मार रहे हैं फेसबुक पे, तो तुम्हारे ख्याल में वो बंदा जो तुम्हें वहां पे जानता है वो तुम्हें मुकदमा दे देगा? यू देन से 500 फॉलोअर्स माइनस, दे विल नेवर एक्चुअली गिव यू, बिकॉज यू आर ऑलवेज द एक्टिंग लाइक एन इडियट ऑन सोशल मीडिया। ना जिसका पूरा कर रहे थे वो भी ठीक है, हैविंग फन, बट आपकी सोबराइटी और आपकी, आप अगर आप में से कोई मुझे फेसबुक पे फॉलो करता है, यू गाइस शुड, तो व्हाई डू यू थिंक आई राइट डाउन के अराइव्ड इन इस्लामाबाद, लीविंग फॉर इस्लामाबाद, तो रेगुलरली जाता है तो अहमद की यूं बड़ा अच्छा है यार, बीच में वकील वगैरह उसके पास रोज केसेस लगे होते हैं, यू कैन से वॉन अ केस। हारिस अजमत यही करता है, उसका बाय द वे वीडियो चेक करना, हाउ टू गेट अ क्लाइंट्स के नाम से हमने यहाँ पे एक सेमिनार करवाया था मेरे, अगर आप यूट्यूब के ऊपर आप फॉलो करें, मेरा चैनल फॉलो करें, उसके अंदर सारी ये चीजें जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उनके अलग-अलग वीडियोस भी मौजूद हैं। सो समझाना आपके सामने, ये तमाम दोस्तों के सामने चाह रहा हूं कि क्लाइंट हासिल करने से आता है। वाले साहब कहते थे कि अल्लाह की देन होता है, मैंने करते हुए लड़कों को, हारिस अजमत है गवर्नमेंट की तरफ से पेश होता है, बेशुमार ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड एग्जीक्यूट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए गया हुआ था, यंग लड़का है, एडवोकेट सुप्रीम 5-7 साल की तो हो गई हुई, तो यू कैन मेक योर ओन करियर, फिर काके कागज के ऊपर आपने खुद करना है। जेलेसी इज वन थिंग, बट आपने अपना आंख खुद बनाना है, उसका लैदा होगा सलमान का, आपका अलहदा होगा, बट आप सारे कर सकते हैं, आप शायद उस सलमान से भी आगे जा सकते हैं, उसकी अगर साइड के ऊपर है तो उसको अवामी मुकदमे नहीं मिलेंगे, वो शायद सपोर्ट वाले ग्रुप के अंदर हो, तुम पकड़ के तुम 15 चीजों से कर सकते हो। तो वंस अगेन, इट इज नॉट ओनली अबाउट यहां पे, इट इज अबाउट एग्जीक्यूटिंग योर सेल्फ एज अ लॉयर एज वेल, हर जगह के ऊपर दिखा के और नजर आ रहा हो कि काम करना आंदा है बंदे नु, मुकदमे जितता है, मुकदमे करने वास्ते कोर्ट जाता है, वहां पे सेल्फियां ना लें कोर्ट में, बट लीगल प्रोपोजिशन लिखेंगे तो उस लीगल प्रोपोजिशन वाले शायद आपको कोई पकड़ ले कि यार ऐसे दस दो। मेरे एसोसिएट्स, अली जैदी एसोसिएट फॉर एग्जांपल जो था, वो माशाल्लाह उसने अपना बड़ा जबरदस्त, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, उसने अपना चेंबर अलहदा बना लिया, वो मुफ्त एडवाइस दिया करता था फेसबुक के ऊपर, आर्टिकल्स लिखा करता था, सबसे ज्यादा आर्टिकल क्या, देखो गवर्नमेंट के ऊपर आर्टिकल लिखना या नवाज शरीफ की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ वो आपको सीरियस वकील तो दिखा सकता है,
मगर अभी अगर कोई टैक्स आया है, लग्जरी टैक्स आया है घरों के ऊपर, तुसी आर्टिकल लिख के लाओगे तो लग्जरी टैक्स वाले ढूंढते हुए आपके पास आ जाएंगे। बिजनेस रिकॉर्डर वो अखबार है जो सारे के सारे बाहू पढ़ते हैं, अगर उस पर आर्टिकल आपका छप जाता है बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर कि टैक्स की फलां चीज के ऊपर के ये मेरे नजदीक गैर कानूनी है, तो कोई बंदा आ जाएगा आपके पास कि जी आप कह रहे हैं गैर कानूनी है, मेरे पे मेरे से 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो आप 5 लाख के अंदर मेरा ये मुकदमा कर दें, आप उसको लेके चले। सो व्हाट आई एम शोइंग टू यू इज हाउ यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ, हाउ यू प्लान योर करियर एंड हाउ द गुड गाइज करने के लिए ये सारे का सारा करते हैं। सर, आपने फरमाया कि आप शायरी भी करते हैं। हाँ यार, बड़ी जबरदस्त। सर, अलामा इकबाल साहब से पूछा गया, ये महसूस नहीं बात है कि आपने शायरी को मीडियम क्यों चूज किया, आप नसर भी कर सकते थे, अलामा है, आप फिलोसफर है, क्योंकि शायरी में ज्यादा बात कम लगती है। आज आपके लेक्चर में किस तरह का नसीहत आप कर रहे हैं, शायरी में आप दो लाइनें आप पेश करें, वो भी मैं आपके सामने कर दूंगा, लेकिन उसकी 2-3 चीजें वगैरह मैंने हजारों, आई हैव रिटन फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स, आई हैव रिकॉर्डेड देम, आई हैव अ स्टूडियो, आई प्ले गिटार, आई सारे के सारे पाकिस्तान के म्यूजिशियन मेरे जानने वाले हैं, बचपन की पोइट्री सारी ऑनलाइन मौजूद है, वो मेरे क्लाइंट हैं, बट आई एम अ सीरियस लॉयर, आई नेवर एक्चुअली शो माई सेल्फ डूइंग दिस। बात यह है, अलामा इकबाल का जब जजी के लिए नाम गया तो उन्होंने कहा हु इज दिस मिस्टर इकबाल, गोरे ने कहा हु इज दिस मिस्टर इकबाल, आई डोंट नो एनी एडवोकेट बाय द नेम ऑफ, आई नो द पोएट इकबाल, नईम बुखारी इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट लॉयर्स आई हैव कम अक्रॉस, बट मखौली है, आई थिंक हिज करियर वॉज वेरी सीरियसली सेट बैक। मैं ये करता हूँ, ये सारी चीजें इसलिए करता हूँ क्योंकि ये अगर आप वकालत के अंदर शोगल मेला साइड पर ना रखें ना, तो आई वुड किल माई सेल्फ लिटरली। आप इतनी टेंशन वगैरह और इतनी चीजों वगैरह के साथ करते हैं, दूसरे आपको पैसे देते हैं कि टेंशन उसकी आप अपने सर के ऊपर ले लो, राइट। सो पोइट्री, या मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी को रोते हुए देखा उसके बारे में मैंने लिख दिया उसकी कहानी के बारे में, या कोई अफसाना लिख लेता है, वकील बेशुमार करते हैं अपनी पोइट्री वगैरह, मैं ये कैमरा जब ऑफ होता है आपको बेशुमार सुना सकता हूँ, ऑनलाइन भी पड़ी हुई है, बट प्रॉबली नॉट अप्रोप्रिएट ये करने के लिए यहाँ पे, वकील करते हैं। आपको मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप करें अदबी, मैं 5 साल अदबी हल्का हाईकोर्ट में चलाता रहा, उसके वीडियो सारे ऑनलाइन मौजूद हैं, लिटरेरी सर्कल ऑफ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके अंदर उनकी जुबान खोलने के लिए आपको करना चाहिए, बट आई डोंट अभी नहीं, अभी ये खत्म हो जाएगा। यार देखो, वक्त नहीं आप इतना ज़्यादा कर सकते, सिविल कोर्ट में मैंने जब हम 2 दिन पहले गए हैं, कल गए हैं, तो सबसे पहले और मेरा सारा दिन उस साहब ने खराब कर दिया, ब्रीफलेस लॉयर, उन्होंने आके मैंने क्या हुए तुसी आ गए हो फिर इधर, तानू तो नहीं आते असी इधर वेख दे की है, वो इलेक्शन हो रहा है इस तरीके से वगैरह करने के लिए, देर आर लॉट ऑफ टाइम वेस्ट इज देयर एज वेल। अगर आप प्रोएक्टिवली अगर आप अच्छे अंदाज में मौजूद है, आपको फुटप्रिंट होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आपको जाना चाहिए वगैरह ये सारे का सारा करके, बट डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, यू कांट बी ए बंदा जो सारा दिन वहां पे बैठा रहे। और बात ये है कि मैं पार्ट ऑफ द रीजन आई एम नॉट देयर इज मैं बार काउंसिल में हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पार्ट ऑफ द रीजन मैं ये वहां पे नहीं हूं कि मैं हाई कोर्ट के अंदर हूं, मैं भी इतनी बार काउंसिल में बार उधर नहीं जाता, बार एसोसिएशन के अंदर मुझे उसकी इतनी ज्यादा एक्चुअली जरूरत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज मेरा काम इतना ज्यादा है कि मैं उसमें बंधा हूं। सो उधर जाएं, अपना हिस्सा डालें, करें गुफ्तगू, करें गप वगैरह लगाएं, वो अपनी अलहदा साइड के ऊपर है। सो इट जस्ट डिपेंड्स, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, अगर वो आपके काम को अफेक्ट कर रहा है, अगर आप वहां पे मौजूद हैं, आपका एक ग्रुप मौजूद है, तो आप इलेक्शन लड़के आपको बड़े मुकदमे मिल सकते हैं, आपका प्रोफाइल हाई हो सकता है, एंड इट्स नॉट आप ओहदे को ना बेचें, बट ईमानदारी से इलेक्शन इसलिए लड़े जाते हैं, मेरे वालिद साहब ने इसलिए लड़े, सेक्रेटरी थे, सदर थे, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, मेंबर बार काउंसिल थे पंजाब के, बिकॉज इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, और दूसरा आप अपना प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप करें, तो बट डोंट गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स अभी जब तक काम करना नहीं आता। सो वो डाउन द लाइन आप कर सकते हैं। और कोई सवाल वगैरह, आप सवाल ही कर लीजिए। अच्छा,
डू नो ये क्या करना चाहिए, किस तरह का चैम्बर होना चाहिए, ट्रायल वर्क के लेवल पे जाना चाहिए, सियासी चैम्बर से दूर भागो, सुदूर के चैम्बर से दूर भागो, सीनियर्स के बड़े नामों वाले चैम्बर से दूर भागो, जिसके पास नीचे का कीड़े वाला काम है वो इब्तदा के अंदर करना सीखो, बिकॉज वही आपने सीखना है। बड़ी मोहब्बत के साथ यार भाईचारा है, उसके बाल ठीक कर रहे हो, करते कंगी चाहिए, अच्छी बात है। डू नॉट एक्सपेक्ट डिजर्व, वकालत के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपको मिलती है, आप जो आप चीज डिजर्व करते हैं वो मिलते हैं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, मेक एन एफर्ट टू लर्न, खुद आपको सीखना पड़ेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट समवन विल कंटिन्यूअली सिट डाउन और आपको बिठाएगा, मेरे पास भी पेशेंस नहीं है कि मैं आपको बैठ के पढ़ाऊं, राइट? जो है हमारी ऑब्लिगेशन उधर तक सही है, और असल में बंदा वही सक्सीड करता है जो कि कोर्ट के अंदर ये नहीं कह सकते कि मैं अहमद क्यूम से पूछ के आऊंगा। योर अबिलिटी टू थिंक ऑन दैट स्पॉट, जज ने सवाल किया, इज वॉट मेक्स अ लॉयर। मेरे वालिद साहब ने इसीलिए मुझे उन्होंने हमेशा पानी के अंदर खुद ही फेंक दिया कि जाता है, बिकॉज उनको पता था कि ये वहां पे जाके आपने करना है। ये एबिलिटी अगर आप में नहीं है, और आपके कई सवालों में से मुझे ये लगता भी है कि आप में कईयों में नहीं है, कि जिस चीज का सवाल उनको खुद पता होना चाहिए, दो जुमले आगे खुद अगर सोच लेना तो खुद ही जवाब आ जाएगा। वकील वो होता है 3 मूव्स आगे, जज ये पूछ सकता है मैं ये कहूंगा, ये के पूछ सकता है ये कहूंगा, और लिटरली मैं चूंकि बोलने में इतना अच्छा और हाजिर दिमाग इतना ज्यादा नहीं हूं, मेरा मुकदमा अगर लगा होगा तो मैं सारा दिन उसके बारे में सोच रहा होता हूँ, बीवी बच्चों को काट रहा होता हूँ, रात को भी मैं सोच रहा होता हूँ यार जज ने यह पूछा तो मैं फिर यह कहूंगा। ये वकालत के अंदर इंपॉर्टेंट चीज, वकालत एट द एंड ऑफ द डे आर, ये नोट कर लीजिए, आर द फर्स्ट 5 sentences यू से इन कोर्ट। इस पहले जुमले के कहने के ऊपर जज इधर निकल गया, हार गए। अगर फर्स्ट 5 sentences विद वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस, पहले जवाब में उसने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, ये कहा तो मैं ये कहूंगा, जज ने आपको 10 जुमलों से ज्यादा पूछना ही नहीं है, इट इज अबाउट मास्टरी ऑफ द फाइल। और आपका सुबह अगर मुकदमा लगा हुआ है, स्किल सेट ये है, यू कांट गो विदाउट प्रेपरेशन। मेरा क्योंकि मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंस कम है, और ये चीजें आई विजुअलाइज, जज साहब ये हैं यहाँ पे बैठते हैं, इस तरह की चीजें पूछते हैं, ये करेंगे, मैं टाइम में पहले जाऊंगा, उससे 10 मुकदमे पहले पहुंच जाऊंगा, ताकि जज साहब का मैं मूड भी देख लूं, इसको इस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज इस तरह लेके जा रहे हैं, उसको जजमेंट चाहिए होती है, ये करके, दैट इज वाई आई एम अ गुड लॉयर। ये सारी गुफ्तगू मैंने अपने जेहन में की होती है, और कई दफा जज ऐसी चीजें पूछ लेता है जो मेरे फरिश्तों को भी नहीं सूझी हुई, वहां पे भी फिर मुझे एबिलिटी होनी चाहिए कि आई कैन आंसर देयर। वो एबिलिटी इसलिए है कि आई हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन माई सेल्फ टू कम अप विद द आंसर, वो स्किल आपके लिए जरूरी है। आगे चाहे डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, पहली मिस्टेक माफ, दूसरी पे आप फारिग। डोंट एवर अपेयर नॉन सीरियस एंड इररिस्पॉन्सिबल, मत नाचें यूनिफॉर्म में, मत नाचें यूनिफॉर्म के अंदर, ना नॉन शरीफाना चीजें करते हुए नजर आए, रूल्स भी मना करते हैं, और आपका आप एक दफा धब्बा लग गया आपका कभी भी नहीं उतरेगा, बिकॉज धब्बे लोगों के जहन में होते हैं, वो आपके मुंह पे नहीं कहते, रिलीफ नहीं देंगे, बदतमीज बेशरम ये वो वगैरह, जजेस को गालियां निकाल रहे हैं अगर आप, तो आपके ख्याल में आप जज के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा हाँ भाई बिल्कुल। कई बंदों ने ब्रांड बनाया हुआ था मरहूम एके डोगर साहब के जजेस को डराने का, मगर आप एके डोगर साहब नहीं है, आप इब्तदा के अंदर मौजूद हैं। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बेसिकली ब्रीफ बना के आप जज की मदद करें, फैक्ट शीट बना के लेके जाएं, फोटोकॉपीज लेके जाएं, क्योंकि आप उस सीनियर वकील के मुकाबले में जा रहे हैं जिसकी बात शायद ज्यादा चलती हो, जिसका चेहरा चलता हो, बट जज के सामने अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप रखेंगे तो एन मुमकिन है कि आप जीत जाएं। जज के की अगर आप मदद के लिए फैक्ट शीट करेंगे तो उस फैक्ट शीट में आपके फैक्ट्स लिखे होंगे, दूसरी पार्टी के नहीं लिखे होंगे, जज आपके नुकतों पर चलना शुरू हो जाएगा। या आपने उसको फैक्ट शीट दे दी, जज ने उसके ऊपर जजमेंट लिखवाई दो हफ्तों के बाद, दूसरी पार्टी ने जुबानी बताई हुई थी उसका नुकता तो जज भूल गया, फाइल उसने खोली उसमें आपकी फैक्ट शीट लगी हुई, आपकी जजमेंट, उन्होंने कहा यही सही है, ठीक है मुकदमा डिसाइडेड विन। मेहनत का ये गुर आपके सामने जो मैं बता रहा हूं, आपको खुद पर्सनली मैंने प्रैक्टिस करके आपको बता रहा हूं,
कि तैयारी करके नॉन सीरियस इरिस्पॉन्सिबल ना हो एंड डोंट एवर मेक एक्सक्यूजेस. अगर जज बिका भी हुआ था तो जज बिका नहीं हुआ था. यू आर द स्टूपिड लॉयर हु आर्ग्यूड द केस फाइनली बिफोर अ बिका हुआ जज. यू शुड हैव मूव्ड अ ट्रांसफर एप्लीकेशन. यू शुड हैव ड्रैग द मैटर आउट. मिसलेनियस एप्लीकेशन. बात यह है अव्वल तो होता नहीं है. जब हमारा यहां पर ख्याल होता है कि सारे के सारे जजेस बीच में इस तरीके से, ऐसा नहीं होता. 99% मैं उसका भाई वकील हूं, मैं साथ बैठा होता हूं, गलती वकील की होती. वकील का ख्याल होता है कि मेरा बड़ा अच्छा है, नुक्ता एक है और वही नुक्ता लेके जाते. जज कहता है नहीं बनता और नहीं बन रहा होता, मैं आपको बता रहा हूं. बट यंगस्टर हमारा जो होता है वो कहता है कि नहीं जी जज बिक गया, ये है वगैरह, और वहां पर लड़के वहां पर उठ के चला जाता, अपना करियर तबाह कर देता, और भी कोई जज नहीं उसको रिलीफ देता. प्लीज बी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि नेवर मेक एक्सक्यूजेस कि जज इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल ये कह देने से कि जज मिला हुआ, आई मीन द स्टूपिडेस्ट प्लेंट अपील आई हैव एवर कम अक्रॉस इज अ लॉयर सेइंग कि जज मिला, और उसने प्लेंट में लिखा हुआ, अपील में लिखा हुआ कि जज दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है. आपके ख्याल में हाईकोर्ट का जज लिख देगा कि हाँ जज दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ, कि वो हाईकोर्ट का जज कहेगा कि नहीं मिला हुआ, कि प्रोटेक्ट करेगा उसको. However, I am such a genius कि मैंने उसके अंदर ये लिखा हुआ है, नुक्ते वगैरह ये ऐसे बनाए और ऐसे लिखे हुए हैं कि जज उठ के कहता है कि मलिक साहब लगता है जज मिला हुआ था दूसरी पार्टी के साथ. So the genius of the thing of your profession of your ability of your वकालत is कि आपने देखना है कि जज के perspective से वो आपको क्या दे सकता है. आप क्या मांग रहे हैं उससे कि आपने उसमें एविडेंस रिकॉर्ड में कोई मौजूद नहीं कि जज दूजी पार्टी के नाल मिला क्योंकि मेरे खिलाफ डिसाइड कर दिया. आर्ग्यू द लॉ. अगर वो जज है, ट्रांसफर एप्लीकेशन है, तो यू नीड टू, हर चीज का अलग अलग लवाजमात होते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी ग्रोन अप एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज आपके साथ क्या होते हैं इन चीजों के. सो ये है फोकस ऑन स्किल्स जो आपने बीच में करने होते हैं. अपना प्रोफाइल कैसे करते हैं. अच्छा, आपके ख्याल में पंजाबी मुंडा 46@hotmail.com को कोई काम देगा है? नहीं, वो लोगों के सीवीज पे लिखा होता है यार, पंजाबी मुंडा सेक्सी hotmail@hotmail.com. ऐसे भी मैंने देखे हैं और मैं उधर गया हूं वहां पे उसको करने के लिए. कई हैं उन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह बन के वगैरह. बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज प्रोफेशनलिज्म इज इंपॉर्टेंट. लिंक्ड, फेसबुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लिंक्डइन. लिंक्डइन मैं आपका सुनता हूं. लिंक्डइन इज वो जगह जहां पे सारे के सारे लोग सीवीज अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज, इट इज एंटायरली प्रोफेशनल. फेसबुक भी करें, मैंने फेसबुक शुगल मेले के लिए और अवाम के लिए रखा हुआ है और बार पॉलिटिक्स वगैरह के लिए रखा हुआ है. बट वकालत के लिए, हार्ड कोर के लिए, क्लाइंट्स वगैरह के लिए लिंक्डइन रखा हुआ है. इंग्लैंड में तो वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे पहले चेक करते हैं, उसके बाद फेसबुक देखते हैं. अगर तुम नच रहे हो तो फिर उन्होंने कहना रहन दो, किसी और को चल दे. अगर उन्होंने आपको नचवाना नहीं है तो उसके लिए. आपका सवाल था इट्स इलीगल अगेंस्ट द रूल्स है, मेरे के ऊपर नहीं लगा हुआ. ड्रग स्मगलर्स ने भी लिख के एडवोकेट लगाया हुआ है ताकि नाके पे ना रोके. जी आपने यू आर प्रॉबली नॉट हेयर इन आर प्रोफेशनल एथिक्स वाले लेक्चर में, पहला वाला जो था थे, तो वहां पे मैंने आपको कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ाया था, जो मैंने बीच में कानून के अंदर तब्दीली इंट्रोड्यूस करवाई है. अगर आप सोशल मीडिया को अपने आप को नाम के जरिए एडवोकेट कर रहे हैं, देन यू आर बाउंड टू बी एक्टिंग लाइक एन एडवोकेट. अगर आप वहां पे टिकटॉक बना रहे हैं और आप वहां पे अगर नाच रहे हैं तो मैं आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दूंगा. सो यू कांट डू दैट. यस, इफ यू आर मोहम्मद अहमद के ह्यूमन, आप जाती अंदाज के अंदर वहां पे आप डांस कर रहे हैं करके, तो दैट इज फाइन, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपने करना है. बट द मोमेंट आई एड एडवोकेट टू द मिक्स, वो फिर यहां पे मसला पड़ता है. हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी भी लोअर होती है और इट्स इन योर इंटरेस्ट एज वेल कि आई स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट. सो वो वाली चीज जो आप कह रहे हो ना, गाड़ियों के वहां पे लगाना इज इलीगल. हमने स्पेसिफिकली रूल्स लगाए हुए हैं.
आई डोंट थिंक यू रियली नीड इट, बिकॉज पुलिस वाला अगर आपको नाके पे रोकेगा, आपका हाईकोर्ट का बार का स्टिकर जो ऊपर लगा होता है गाड़ी के ऊपर, वही देख के काम पूरा हो जाता है। और दूसरे जो लगे होते हैं, आपको एडवोकेट नहीं, आपको किस चीज की इनसिक्योरिटी है? मेंबर लिखा हुआ है और ये लिखा, अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप में से किसी ने अपनी बाइक के ऊपर लिखा होगा अंडर ट्रेनिंग एडवोकेट। उन्हें देखकर लाया क्यों नहीं यार, लिख लेना चाहिए था, बाज कह रहे हो इन फ्यूचर एडवोकेट लॉ स्टूडेंट। देखो इस तरह, देखो मैं यहाँ पे सारे के सारे ना, आप सारे सीरियस वकील हो क्योंकि आपने यहाँ पे सीरियसली देखा है। आई अंडरस्टैंड देर आर प्रॉब्लम्स, और दो नंबरी से भी बड़े बंदे कमाने के लिए आ जाते हैं, बट आपने यहाँ पे आके ये साबित किया कि आप ईमानदारी से, आप बिलीव करते हैं कि ईमानदारी और सही तरीके से रूल्स के मुताबिक, मैडम्स को कोई नहीं पड़ी हुई थी कि वो मरून रंग का दुपट्टा पहन के आते रहें। मुझे आपके इस चीज के अंदर काफी ज्यादा बीच में इशू है कि अभी भी आप में से बेशुमार काली टाइयां पहन के आते रहे। यार यू नीड टू फॉलो द रूल्स बिकॉज दे आर द रूल्स, यू नीड टू पे रिस्पेक्ट टू द लॉ। इफ यू थिंक यू आर अबव द लॉ, कानून से आप बालातर हैं, तो माजरत के साथ आप वकील नहीं, आप कुछ और हैं, और आपको गाली निकालनी चाहिए। मेरे नजदीक मेरा तो ये ख्याल था, ये इसने भी लगाई हुई है टाई मरून वाली, कि इट इज अ थिंग ऑफ प्राइड, यू वुड वेयर इट विद प्राइड, कि मैं ये भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल था कि आप टाई ना पहने। द मोमेंट यू गो अहेड एंड स्टार्ट वेयरिंग काली टाइयां विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस, यू आर वर्स देन द पर्सन जो कि एडवोकेट का उस जिसने लिखा हुआ है। आप अपने आप को पहले दिखा रहे हैं। करने को तो हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज के अंदर से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी वकालत कर रहे हैं, बेलें करवा रहे हैं, उस्तादों को कट भी दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए हमने जूते मार मार के उनके उनके चेहरे काले करके यहां पे उनको लेके करना, और होता जाली वकीलों के साथ यहां पे। जिस दिन किसी की रोजी रोटी पे उन्होंने हाथ डाला ना, तो इसी चीज के ऊपर जूते पड़ेंगे। व्हाई आर यू एक्सपोजिंग योर सेल्फ कि आपकी यहां पे ग्रुप में तस्वीर आई, आपने काली टाई पहनी हुई और तुम्हारे पे कोई तू करे एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, कि तुम्हारा करियर आइंदा के लिए तुमने सिविल जज बनना है, तुमने आगे जाके हाईकोर्ट का जज बनना है। व्हाई डू यू ये हरकत वगैरह करके केड़े ईगो दी है आपको, योर वर्क शुड वर्क फॉर यू। मुझे पता है मैं आपको नसीहत इसलिए कर रहा हूं कि इसकी वजह से आप ये नहीं देखते कि आगे जाके क्या आपको नुकसान होना है, आपके साथ क्या चीज हो सकती है। वकील आगे हमेशा देखता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नसीहत आपको बार बार ये कहता हूं क्योंकि रूल्स ये कहते हैं। मैंने मैडम का और बाकियों का आपका साथ फायदा हुआ, अभी वीडियो एक अपलोड होएगा, द प्राइड ऑफ बार वोकेशनल कोर्स, वी फॉलो द रूल्स। आप में से जिन्होंने भी लाल टाइयां पहनी हुई और ये सारे के सारे, आप उस वीडियो में नहीं होंगे, इट्स योर चॉइस, दे आर द प्राइड ऑफ दिस। मैं आपको बार बार कह के कर लिया हुआ है। आई डोंट वॉन्ट टू बी लेबर द पॉइंट कि बार बार उसी के ऊपर मैं फंस ही गया हूं, बट बता ये रहा हूं, फॉलोइंग द रूल्स इज वॉट वकालत की सोल है, इज जो आपकी मिराज है, आपका जो है, आपका रूल ऑफ लॉ को फॉलो करवाने के लिए यहां पे मौजूद हैं, और ये हमारे मुआशरे के सबसे अजीम आदमियों का प्रोफेशन है। मैंने प्रोफेशनल एथिक्स में आपको तस्वीरें ये दिखाई थी, यू शुड, आपने मुझे सवाल किया ना कि वो ये करता है वो करता है, वो गंद है, वो गलीज है, उन पे लानत। बात आपको मैं ये बता रहा हूं, आपने अपने आप को स्टैंडर्ड रखना है कि आपने अजीम से अजीमतर बनना है। अगर आप इस चीज पे एम करेंगे यू विल बी द ग्रेटेस्ट, नहीं करोगे तो नहीं। गंद तो बहुत पड़ा हुआ है इस प्रोफेशन के अंदर, और बल्कि ज्यादातर गंद ही आजकल। सो प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आपको मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है फॉर अ हायर स्टैंडर्ड, एंड आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ होप ऑन यू, बिकॉज आप अभी भी इंटरेस्ट के साथ बीच में सुन रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोफेशन, और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, आपको डराया तो मैंने बहुत है, बट यू आर माई प्राइड। एक्चुअली मैं कह रहा हूं, वक्त मैंने आपको 6 हफ्ते इसलिए लगाए हैं आपके साथ बैठ के, सुबह से बैठ के, कि आपने इसको आगे लेके जाना है,
और आपने मुझे कभी यकीन है कि सारे के सारे सक्सीड करेंगे, पहले 50% कहा था, हूं मैं सारे अनुभव कर रहे हैं, एंड में मेरे जेन में यही था कि एंड विच कहूंगा ये करने के लिए। बट यार देखो, प्लान करके सही तरीके से अपनी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करो, वीकनेसेस करो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन इज, उसके अलावा और कोई बंदा यहाँ पे नहीं मौजूद, आपके वालदैन भी नहीं कर सकते माजरत के साथ। सो ये चीज अपने जहन के अंदर रखिएगा। पैसे वगैरह बाद में आ जाएंगे। एक कई अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया, LLM करना चाहिए कि बाहर करना चाहिए, वकालत करनी चाहिए? LLM इज द मोस्ट यूजलेस डिग्री आई थिंक देर इज। इट इज वेरी यूजफुल अगर आपने गवर्नमेंट की जाके कोई नौकरी वगैरह करनी है, या कोई आपने किसी जगह पे नौकरी करनी है, तो वो LLM के ऊपर आके आपको कहते हैं कि जी LLM आपको होगा तो आपकी मार्केटेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वकालत सिर्फ करने से आती है। मेरी तरफ से आप लॉ में PhD कर लें और उसकी बरक्स आप 3 मुकदमे कर लें शुरू से आखिर तक, सिविल कोर्ट में आप बेहतर वकील 3 मुकदमे करने से होंगे, राइट? सो इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए, क्योंकि आप PhD तो एक चीज में मकाला लिखेगा ना, LLB जिसने 3 मुकदमे किए हैं वो प्लेंट से लेके अपील तक, रिविजन, एविडेंस, ये एक चीज का माहिर हो गया होता है, एक एक चीज को देख चुका होता है। सो और क्लाइंट किसी का इंतजार नहीं करता, तुसी LLM लिख भी दो तो उन्होंने की फर्क पैंदा, अगर काम करना नहीं आता तो वो चला जाएगा आपके पास। आप किसी जज के बेटे हैं, आप अहमद के यूं में वगैरह बीच में, तो अगर काम मुझे करना नहीं आता तो हाँ उसकी वालिद साहब की वजह से काम आया नहीं आता तो उन्हें चढ़ के नाचे आना सी। सो इम्पॉर्टेंट चीज आप तमाम दोस्तों के लिए समझने के लिए बार बार ये कह रहा हूं कि यू नीड टू प्रिपेयर। इट इज ऑल अबाउट वकालत, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग केसेस, इट इज ऑल अबाउट वो करने के लिए। जो चीज आपको इससे दूर करती है, अगर आपका ख्याल है कि LLM नाम के साथ लिखा होगा तो मुकदमे बड़े आने शुरू हो जाएंगे, अगर LLB दे नाल नहीं आ रहे तो LLM पंजाब यूनिवर्सिटी लगा के क्या मिल जाएगा? बाहर की डिग्री यूजफुल है लेकिन इतनी महंगी है, वो आपको वकालत प्रैक्टिकली बार वोकेशनल कोर्स मैंने आपको करा दिए, जो चीज वहां पे कराई जाती है मुफ्त के अंदर आपको करा दिए, वो आपको पाउंड चार्ज करते हैं, इट्स टू एक्सपेंसिव। सो बार भी अब मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्यों? और दूसरा ये कि वो आपको गोरे का कानून सिखाता है, लाखों रुपए करोड़ लगा के आप अगर आ भी गए तो फिर भी जीरो। मैंने सिविल कोर्ट से काम सीखा है, मैंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री हासिल की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की, एडसन का मैं टॉपर था, मैं बहुत बाऊ था, जब मैं आया तो मैं अपने आप को जाती मुकदमा अपना ना देता, आई वॉज जीरो, बल्कि जीरो से भी बुक किया है। मेरा ख्याल था कि मैंने बड़ा आंदा है, लेकिन मुझे पाकिस्तान के कानून का लिबे भी नहीं आता था, सारा कुछ सिविल कोर्ट में मुकदमे कर करके दिन में, मैंने जो आपको कहा है कि उस चेंबर में जाएं जहां पे दिन में 25 केसेस हैं, मैंने दिन में 32 भुगताए हुए हैं, खुद किए हैं सारे के सारे, और अन्य वाह उसके ऊपर काम वगैरह किया हुआ है सारे के सारे, 3 साल तक ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा सिविल कोर्ट मैंने फरोला हुआ है। और अब मुझे कोई आ जाए बीच में कोई बड़ा चैंपियन वकील सुप्रीम कोर्ट का, मैं उसको उंगलियों पर नचवाता हूं, बिकॉज मैंने किया हुआ है काम। और वो मैंने इस तरह नचवाता हूं कि जी वो बड़े डॉक्टर साहब कहीं पता ही ना उनको चल जाए, मैं उनको यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक डॉक्टर बड़े कॉर्पोरेट वकील है बहुत मशहूर, वो आए, उनको मैंने 2 दफा सिविल कोर्ट वाले गोर वगैरह दिखाए, उसके बाद उन्होंने जूनियर भेजना शुरू कर दिया, खुद आना ही बंद कर दिया। एक डेढ़ दफा अडजर्न करवाया, अगे किया पीछे किया, जो सिविल कोर्ट के गोर होते हैं वो अगर आपको नहीं आते तो बड़ा बड़ा वकील आपकी उंगलियों पर नाच जाता है, अगर आते हैं सॉरी, अगर नहीं आता है तो देन आई एम नॉट सेइंग कि ये वाली ट्रिक्स भी आप करें, मगर अगर उन्होंने तो डॉक्टर साहब ने तो एविडेंस नहीं पढ़नी ना, डॉक्टर साहब को तो शायद उर्दू भी नहीं आती, वो उसको कहते हैं सलाम साहब ने शायद उर्दू के अंदर पढ़ के नहीं आना, तो ठीक है आपने अगर आपने मेहनत की हुई, आपने उर्दू पढ़ी हुई, आप नीचे के कीड़े हैं, आपने एविडेंस की हुई, आपको पता है कि उसने तो पता ही नहीं नाल लाया हुआ इसी, या आपने उसके अंदर ये बीच में पढ़ा हुआ है कि उसने तामीलें सही नहीं करवाई, तामील के नोटिस के पीछे जो चीज रिपोर्ट लिखी हुई है वो तो उसको कहते हैं सलमान जब आएगा कोर्ट के अंदर तो आप उसको कहिएगा कि जी इनको इन्हें कहिए कि ये पढ़े पीछे क्या लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, अब 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 और वहां पे सारे हंसना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये आएगा ही नहीं वहां पे।
तुम्हें नहीं तुम्हारे दफा वैसे मैं तो मुझे पता है तुम्हारी बीच में कम से कम स्टाइल आई लाइक अ लॉट वगैरह कि जेडी मैं शॉट मारना उसको आगे से जवाब भी बराबर देता है असल वकील ये है दैट ये वकील का स्किल है उसके ब्लड के अंदर भी है कि दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू भाई वकील का लड़ाई आपने नहीं लेनी लेकिन छड़ना भी नहीं है किसी नो और आपने साफ बराबर करना है जज को ज्यादा ना चिढ़ाएं वहां पे थोड़ा सा गुस्सा पीना पड़ता है लेकिन बाकियां दी तो मजाल है कोई बंदा मेरे साथ भी बीच में इस तरीके से करके दैट इज दिस इज व्हाट योर एटीट्यूड यू आर सपोज टू बी अ विनर से दैट यू आर अ विनर इफ यू आर नॉट अ विनर यू आर अ ठीक है वो वकालत के अंदर क्लाइंट ज्यादा किसके पास जाते हैं विनर के पास के लूजर के पास दे ओनली गो टू विनर्स राइट सो दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रोजेक्ट तो सीधी सीधी गल है उर्दू में भी बोल रहा हूँ पंजाबी में भी बोल रहा हूँ सारी के अंदर ये कर रहा हूँ ये एबिलिटी आप में भी होनी चाहिए और मैं तो बड़े नाजों से पला हुआ बच्चा हूँ ना मेरे पे सख्ती बीच में से गुजरी और ये वगैरह उर्दू अगर मैं अगर बोल सकता हूँ अगर मैं पंजाबी भी बोल सकता हूँ दिमाग मेरा प्रॉब्ली अभी भी अंग्रेजी में ही चलता प्रॉब्ली और मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ बट अबिलिटी टू एग्जीक्यूट है अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते आगे हैं जी इसको खत्म करते हैं असल में मेरा गलती मेरे से ये हो गई है कि स्लाइडें आपको इधर साथ ही लेके जाना चाहिए यहाँ पे पड़े हुए हैं सामने डेस्कटॉप सेट योर टारगेट टैक्स लॉ हाउ टू इम्प्रूव योर लॉयर स्किल्स हाँ ये आ जाए जी नीचे वाई द प्लान व्हाट द प्लान LLM बार नहीं करना चाहिए अच्छा अगर आप वकीलों के अगर आप रिश्तेदार हैं तो चेंबर हासिल करने में आप फायदा तो होगा सिफारिश चलती है किसी के रेफरेंस से जाएंगे तो होगा लेकिन अगर काम करना नहीं आता तो आप जिसके मर्जी बेटे हों मैं एक दफा कहूंगा कि काम के ऊपर आ जाए उसके बाद नहीं आते तो ना हो पैसे नहीं दूंगा ना तुम सीखोगे साल दो साल के बाद तुम वेले होके जाओगे यहां से CSS करना चाहिए कि नहीं अच्छी चीज है वगैरह बट आई डोंट थिंक सो बहुत वक्त जाया होता है जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए आप वकीलों के बच्चे यार ये तुम्हारे लिए और लोगों के लिए भी मैंने लिखा हुआ है आपको कभी अपने वालिद की चैम्बर में नहीं जाना चाहिए तो तुम वहां पे क्या करते हो सेम थिंग नो यार भाई वो और मैंने तुम्हारे वालिद साहब से भी बीच में फॉर इसके केस में मैं बता देता हूँ कि मैंने उस मल्टीपल टाइम उसको कहा है कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू यू विदाउट सेंडिंग यू आपको नीचे ट्रायल के कोर्ट में यार वो सही है गलत है ना तुम्हें मैंने भी ये गलती की थी CLM में अपने भाई को भेज के कि वो कॉर्पोरेट वकील बन जाएगा और ये करके वो बहुत बाऊ वकील बना और उसको पाकिस्तान के कानून का नहीं पता चला हर बच्चे को मैं अपने बेटे को आई वुड सेंड हेम टू शहजाद भट्ट जिसके दिन में 32 मुकदमे होते हैं चौधरी सलीम साहब जिनके दिन में 28 मुकदमे होते हैं सिविल कोर्ट में हर नौयत के आपकी उर्दू आपने मेरे से जो किया कि लैंग्वेज स्किल कैसे इंप्रूव करोगे यू विल नेवर फिक्स इट इन वाइल सिटिंग बाय रीडिंग उर्दू का अखबार और सिटिंग इन CLM यू हैव टू गो डाउन टू और मैं बाकी को भी ये कह रहा हूँ कि अब्बा जी के वहां से आपको बाहर जाना पड़ता है असद को मैंने CLM में इसलिए अपने भाई को भेजा था कि आई वॉन्टेड हिम टू बी अवे फ्रॉम द चेंबर आपकी जो शहजादे वाली या वलियत वाली चीज होती है ना दैट रुइंस यू यू हैव टू लीव योर वालिद का बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक साल के बाद या सवा साल के बाद आपने अपने वालिद के चेंबर में हर सूरत जाना है मेरे पास एक एसोसिएट वगैरह थे उनकी वालिद से नहीं बनती थी शायद पता नहीं आई डोंट नो मेरे पास 2.5 साल रहा मैंने बड़ी दफा उसको कहा कि जी अब अपने अब्बा जी के पास उसके अब्बा जी की काफी तबीयत खराब रहती थी और काफी सीनियर वकील थे यहाँ पे मैंने उसको जबरदस्ती निकाल के फिर भेज दिया वो और वो बैठ के ना मैंने दफ्तर में कि नहीं ये अच्छा आप बड़े अच्छे उस्ताद है मैंने अभी बहुत सीखना है ये वो मैंने भेज दिया बिकॉज बात यह है कि वकील का जो बच्चा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वकील के लिए क्या है क्लाइंट्स आपको पक्की पकाई खीर मिल रही है आपको काम का आपका एक सोर्स है वालिद साहब की उम्र खुदा ना खास्ता बट अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड होती है उस एसोसिएट को मैंने भेजा 6 महीने के बाद उसके सवा साल के बाद उसके वालिद साहब फौत हो गए वो आके मुझे चूमता है कि आपने मुझे सही टाइम के ऊपर भेजा है
क्योंकि उसने जाके बाप से नहीं भी अगर बनती ना तो आप जाके करें। कई वकील ये होते हैं जी साड़ी ते फौजदारी ते काम हैगा कि हमारा बच्चे को हम कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं हम उधर भेज दें। नो, काम जो करने का है उसको वो वहां पे नौकर होगा फलां चेंबर के अंदर जाके। आपने अगर करना है यू हैव टू गो टू द सोर्स जहां पे आपको सबसे ज्यादा काम मिलना है। अगर आप भक्कर से हैं तो आप भक्कर में जाएं जहां पे आपकी जान पहचान है उधर से काम आपको मिल सकता है। अच्छा चेंबर बनाएं, काम करके आप सीख के आ जाएं जी वहां से आके कर रहे हैं। अगर आप वकील के बेटे हैं जिसके पास हजारों केसेस हैं तो फिर जाओ फौजदारी के, तो फौजदारी सीखो। आपके लिए आपको मैं इसलिए सजेस्ट बीच में कर रहा हूं, यू नीड टू थिंक इट थ्रू, यू नीड टू फाइंड योर ओन बैलेंस इसके अंदर कि आपका क्या आंख बनता है। जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है मैं इस वास्ते किया सी क्योंकि मेरे वालदैन ने किया सी, फलां जगह पे मैंने इसलिए शादी कर ली क्योंकि मेरे वालदैन ने मुझे कहा था, और सारी उम्र आपकी उसी के अंदर गुजर जाती। इट शुड ऑलवेज बी, आप अरेंज मैरिज के अंदर भी या किसी और चीज में भी, इट शुड बी योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। वो दिखाते जाए अद्धा शहर वेख लो, लेकिन जो हाँ करनी है तो फिर तदों हाँ करनी, ताकि डिसीजन आपकी है। इट्स द सेम थिंग आपकी करियर की प्लानिंग के बारे में। अहमद गियोम ने कहा था और उसकी वजह से आपने ये चीज कर ली थी नहीं चली, आई एम द बिगेस्ट इडियट हेयर, मैं शहजादा हूं, मेरा अपना अंदाज था। आपने अपना जहन करके अपनी डिसाइड करनी है, मेरे से डिस्कस जरूर करें, मगर आपका ईगो और एटीट्यूड वकील का ये होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये कॉन्फिडेंस होगा तो तब आप एतजाज अहसन को हरा सकते हैं। अगर आपका यू है एतजाज अहसन तो आप तो एतजाज अहसन के थल्ले लग गए, सर मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूं, तो आपके क्लाइंट ने क्या कहना है, सर मैं एतजाज साहब, ये आपका तो ये होना चाहिए कि मैं रगड़ के रख दूंगा। योर एटीट्यूड शुड बी, बाद में यू गिव हिम द फुल रिस्पेक्ट विच ही डिजर्व्स। सो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए। यहां से आपको बार बार शेयर इसलिए कह रहा हूं कि चीड़ फाड़ तो करनी है मगर शेयर की प्राइड भी होती है। शेर आराम भी नहीं खाता, शेर मुर्दार भी नहीं खाता, शेर वैसे शेरों के तौर पे होते गरजता भी है और उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस। आखिरी चीज चलो खत्म करते हैं, सीएसएस नहीं करना। लॉयर के बच्चे जो होते हैं यार, एक साल के बाद सीएलएम चला जाए पहले और आपका मसला नहीं नहीं मेरा आप वो मैं आपको भी बताया, मेरे चेंबर में आप दो साल के बाद आए, एक सवा साल के बाद आएंगे, आई विल टीच यू एवरीथिंग। सारों का मैं ये कह रहा हूँ, यू नीड टू गो टू अ ट्रायल चेंबर सिंस यू आर गोइंग टू बी डूइंग कॉर्पोरेट या सिविल मे बी ऑल ऑफ योर लाइफ मामलात वगैरह के अंदर। यू नीड टू स्टार्ट ऑफ बाय 3 months इन अ क्रिमिनल चेंबर करने के लिए, बिकॉज दैट इज 50% ऑफ द क्लाइंट्स आउट देयर। कॉर्पोरेट क्लाइंट और ये सीआरपीसी पीपीसी सीपीसी आपने नहीं पढ़ी हुई, राइट? सो यू नीड टू पिक दोज अप एज वेल। ये मेरे में कमी कोताही है। 3 महीने वहां पे करो ट्रायल वगैरह ये सारा देख के, फिर 6 महीने ट्रायल करो सिविल का, दैट इज 85-90% ऑफ द वकालत विच इज विल बी अवेलेबल टू यू इन द नेक्स्ट 5 years। देयर आफ्टर कम लर्न बैंकिंग एंड रिपिटेशन फ्रॉम मी and go back to CLM. So you are able to execute every sort of mukadma in yahan pe. It will make sense, for example, aapke case ke andar ke aapka ek particular field ke andar corporate work hai ya ye hai, aapke liye thoda bahut phir bhi ban jata, aapko tankhwah bhi mil jayegi, shayad munawir ki wajah se aap partner bhi ban jaye CLM ke andar down the line, agar aap over nahi main waise aapko bata raha hu कि वो है वगैरह, तो यू विल इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू मे बी, अगर आप शायद ना भी करो। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग राइट नाउ इज कि अगर आपने हाईकोर्ट का जज बनना है या आपने किसी और जगह पे जाना तो आपको क्रिमिनल लॉ आना चाहिए। आई हैव लर्नड इट, मुझे नहीं आता था। अगर आपने किसी और जगह पे जाना है और आपने अगर फैल छा जाना है, आपने लॉ मिनिस्टर बनना है या आपने किसी और जगह पे जाना है, देन यू कांट एक्चुअली हैव दिस बेसिक थिंग स्किल सेट मिसिंग। इफ यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर फाइन, बट अगर आपने अपनी ऑप्शंस खोल के रखनी है और पाकिस्तानी सिस्टम समझना है और यहां पे को एग्जिस्ट करना है, यू माइट हैव इट कंफर्टेबल, इट माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट आपका मैं इसीलिए आपके वालिद साहब से भी और आपसे गुफ्तगू, आप आई होप यू नॉट माइंडिंग कि मैं सारों के सामने बात कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि यही एक्सरसाइज आपने भी सोचनी है, आपने भी करना है कि मेरे प्लस क्या हैं, मेरे माइनसेस क्या हैं,
मुनव्वर के को जो दोस्त नहीं पसंद करते वो उसको एवं बीच में ना पसंद करेंगे। अगर किसी से मुनव्वर ने सख्त बोला होगा कि नॉर्मली तो नहीं बोलता वगैरह, तो वो इसको वैसी रॉन डालेंगे, उसके माइनसेस भी हैं। आपका अलग होगा, जेलसीज वगैरह भी हैं, सारी की सारी चीजें मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हर बंदे की अपनी अलग सिचुएशन है। कागज पे आपसे आपका जायचा इसलिए बनवाया है, अगले साल आप फिर दोहराएंगे कि यार ये गलत था, मैंने अपने आपको ज्यादा नंबर दे दिए थे, या मैं अब बेहतर हो गया हूं, देखो पहले मैंने अपने आपको 4 नंबर दिए थे अंग्रेजी बोलने में, अब मैं अपने आपको 6 देता हूं। आपने अपनी अचीवमेंट एक्नॉलेज की, यू हैव अचीव समथिंग, सो यू आर आस्किंग। सारा साल आप सोचते रहे कि नहीं यार आई नीड टू इम्प्रूव, मैंने अपने आप को, मेरे 4 नंबर हैं सिर्फ, इसके अंदर मैंने अपने बेहतर करना है। दिस पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज आज की ये थी। द रीजन आई एम डूइंग दिस इज आई हैव सेट योर टारगेट्स, आपने उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। गप्पे वगैरह काफी ज्यादा हो गई, बाहर जाके काम करना चाहिए कि नहीं, अगर पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो रहा तो। मेरे कई एसोसिएट्स काफी हम्बल बैकग्राउंड से भी बाहर गए हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बट लैंग्वेज का आपको मसला पड़ता है और शुरू में टैक्सी चलानी पड़ते हैं और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, कच्चा खुद ही धोना पड़ता है अपना, वहां पे जाके नौकर नहीं होते, वालदैन नहीं होते, खाना नहीं होता, पीना नहीं होता, बुखार होता तो कल्ले बह के आप ही करना पड़ता है। इमिग्रेशन के ऊपर अगर आपने वैसे गायब हो गए तो धक्के काफी खाने पड़ते, बर्तन मांजने पड़ते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। सीधा जाके मुश्किल है, अनलेस आपने बहुत बड़ी इंग्लैंड की डिग्रियां हासिल की हुई हैं कि आपको वहां पे इतना काम मिलने लगा है। यहाँ से चंद लोग वगैरह जाते हैं बट चांसेस ऑफ सक्सेस इतने ज्यादा नहीं है, खासतौर पे अगर आपने एक्सटर्नल प्रोग्राम नहीं किया हुआ है तो फिर देन यू हैव अ प्रॉब्लम। फिर भी लोग जाते हैं और उनमें से 100 में से मेरे ख्याल में 5 या 6% शायद सक्सीड भी करते हैं। सिफारिश चेंबर में जाने के लिए चलती है, लेकिन अगर काम नहीं करना आता तो फारिग है। टाइम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टाइम आपने वक्त जाया किया तो वो वापस नहीं आता। कोई गलती अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए वो वापस नहीं आ पाते। अच्छा ये पहले कहाँ बड़े शहर में काम करना चाहिए, होम टाउन में करना चाहिए, मैंने उसका ये लिखा है, वहां पे जाएं जहां पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जहां पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। कैलकुलस ये होगा कि मेरे यहाँ पे आप हजारों रुपए या लाख रुपए लगा के रिहाइश अगर आपने लाहौर में रखी हुई है तो कमाई नहीं हो रही, फिर बेहतर है कि आप जहाँ पे वालदैन वगैरह का घर है वहां पे आप अपने ही शहर के अंदर करने की कोशिश करें काम, जहां से भी आप आए। नॉन लिटिगेशन रिलेटेड जॉब भी, ये चीजें आप खुद देख लीजिएगा। स्टे अवे फ्रॉम चेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट चेंबर्स या हाई प्रोफाइल चेंबर शुरू में, बाद में आप जा सकते हैं अगर आप काम करते हैं। CLM के अंदर भी बीच में सिविल नौयत के मुकदमे होते हैं, बट हाँ होते हैं वगैरह, लेकिन हमारे वकील माठे हैं। जब भी तुम तो सामने आ जाते हाँ, जब भी तुम सामने आते हो ना तुम्हारी तरफ से तो हम खुश होते हैं, CLM से कोई वकील आया यार, अच्छी बात है। सिटिंग जज का कोई एक्स चेंबर वगैरह है यार, ये ना करो यार, ये बड़ी गलत चीज है कि एक 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 वकील साहब एलिवेट हो गए तो मुझे आके किसी ने कहा ये सिफारिश कर दो उस जज साहब के चैम्बर में जाना चाहते हैं, कि उनके थ्रू काफी काम वगैरह होगा, वो अच्छा काम नहीं है। और वो अगर कोई आपके ऊपर ठप्पा लग जाए ना कि आप ये 2 नंबरी वगैरह करते हैं, दूसरे जजेस भी नापसंद करते हैं और बाद में भी आपको काफी इशू आता है। बाहर पॉलिटिक्स से इब्तदा में दूर रहिए, बाद में जरूर आइए, अगर आप अच्छे बंदे इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, मेंबर बार काउंसिल के लिए आप आके नहीं खड़ा होंगे तो गांधी यहाँ पे आएगा, बदमाशी यहाँ पे आएंगे और वही आपका फ्यूचर तबाह करते रहेंगे। आखिर में अर्लियर ईयर्स में फैमिली सर्कल्स और अपने दोस्तों के थ्रू ही मिलेगा, अगर मेरे से बना के रखोगे और मेरी लड़ाई नहीं की होगी तो शायद मैं कोई केस भी तुम्हारी तरफ भेज दूँ, कि जो मैं नहीं करना चाह रहा, मैं अपने एसोशिएट्स को खास तौर के ऊपर जो मुफ्ते वाला होता मैं कहता हूँ यार फलां तो करवा दे, मेरे पास होता तो मुझे मुफ्त करवाना पड़ता तो मैं अपने फैमिली वाले किसी और को भेज देता। सो इस तरह होता है वर्ड ऑफ माउथ से। और जनरल पॉलिटिक्स आर्क ऑफ करियर इलेक्टेड ये है, सोलो प्रैक्टिस में तब जाए जब कमाई हो रही हो, उससे पहले छाल मारने की नहीं जरूरत। कोशिश करें इब्तदा के अंदर लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाएं, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप बनाएंगे तो आपके खर्चे डिवाइड अप हो जाएंगे,
और आपके क्लाइंट्स हासिल करने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पार्टनरशिप्स अमूमन चलते नहीं है, जेलसी वगैरह काफ़ी चल यहाँ पे चलती है, कई में मैंने देखे आपस में ही लड़ाई मार कुटाई हो जाती है, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है बना के आप ईमानदारी से करेंगे तो पार्टनरशिप चलती भी काफ़ी है। सो पार्टनरशिप और शादी वगैरह भी होनी होती है, अमूमन इब्तदा के अंदर ना करें, थोड़े से अरसे के बाद करें और उसको आगे लेके चलें। आई डोंट नो मैडम्स के लिए क्या बीच में सिलसिला वगैरह ससुराल अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, करने के लिए ये वो आपका अपना बीच में मामला वगैरह होता है कि किस तरीके से होता है। औरतों के लिए अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे सचों के चांद बैठी हुई हैं, दिस प्रोफेशन इज़ वेरी टफ फॉर यू, बट एज आई एम सेइंग सिविल जज के इम्तिहान के ऊपर मेरी एसोसिएट ने टॉप किया है। जुडिशरी की तरफ आप ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन आसमा जहांगीर मेरी लीडर थी, इस दफ़ा सेक्रेटरी बार लाहौर हाईकोर्ट बार और वाइस प्रेसिडेंट दोनों फीमेल्स थीं। इस प्रोफेशन के अंदर गंद बहुत ज़्यादा है, गलाजत बहुत ज़्यादा है, गलीज लोग ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पे करके औरतों के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, यूज़ करना चाहेंगे और इस तरीके से प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। बट दिस इज़ अ प्रोफेशन आई वॉन्ट माई डॉटर टू कम इन टू एज वेल। यहाँ पे आप सक्सीड फिर भी कर सकते हैं, पेशमार चैम्बर्स के अंदर बहुत सक्सेसफुल औरतें भी मौजूद हैं। मेरा दिल डेफिनेटली ये था कि मैडम आसमा हामिद को या यहाँ पे फीमेल लेक्चरर्स भी मैं करता, लेकिन आखिरी मिनट के ऊपर उन्होंने कैंसिल करके वो लेक्चर वगैरह के लिए नहीं आ सके, उनके सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे। बट रिप्रेजेंटेशन इस प्रोफेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है औरतों की, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऊपर भी मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वुड बी एप्लीकेबल, बट चैम्बर चूज करने के अंदर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और कोई अगर है सवाल वगैरह तो कोई दोस्त मेरे से कर ले। ये मैं आखिर में मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मेरा नाम मोहम्मद अहमद कयूम है, मैं आपका आपके साथ मैंने 6 हफ्ते गुजारे हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, आप सबसे मेरी दोस्ती है उसको कहते हैं। इट वॉज एन ऑनर फॉर मी टू यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ाना या आपके साथ सीखना या आपके साथ काम करना। अब बार वोकेशनल कोर्स में मैंने आपने खुद कम से कम ये एहसास किया होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक्चुअली ये हिस्सा बनाया हुआ है कि ये मैं इंट्रोड्यूस करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे वालदैन ने वालिद साहब ने भी और उनके वालिद साहब को करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई कि वकालत करते कैसे। इस पर कोशिश करें, आपकी आखिर में आप तमाम दोस्तों की देखो आखिर में ये मैं बता रहा हूँ कि बार वोकेशनल कोर्स का जो पहला वाला था ना हमारा बैच, उसमें ये रहीम यार खान से एक लड़का था, वो अपने इलाके में वापस जाके उसने अपने सदर से बात की, उसने सेशन जज से बात की और उन्होंने वहाँ पे भी बार वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया। मकसद ये है, आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अपने करियर पर तो काम करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी हैं आप ये वाली इसका जिक्र वगैरह और इसको एग्जीक्यूट करवाने में अपने इलाके के अंदर करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं कराना तो मैनू बताइएगा, उनके सदर का लाइसेंस मैं सस्पेंड करूँगा, मेरे पास पावर है और हमने किए हैं, ये उनका काम करवाना है आपको। आखिर में आप तालियां बजा रहे हैं, आपकी दोस्ती है वगैरह, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। आप सारे के सारे दोस्तों को पाकिस्तान में अलमिया और ख़ास तौर पे आपके अंदर भी ये अलमिया ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका हक क्या है। इस प्रोफेशन में आपका हक है कि आपको सिखाया जाए, इस प्रोफेशन में आपका हक है। तो मैंने कोई बीच में इतना ज़्यादा किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, दिस इज़ वॉट दिस इदारा शुड बी डूइंग फॉर यू, दिस इज़ वॉट दिस इदारा योर बार एसोसिएशन लाहौर बार एसोसिएशन शुड बी डूइंग फॉर यू। यू शुड बी डिमांडिंग, यहां पे मेरे पास कमरे में जगह कम है, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मेरे से कि जी मैं कमेटी बनाता हूं मैं करवाएं, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसी तरह हम 7000 बंदे करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आप लीडरशिप और लीडर आप बनेंगे भी ऐसे ही। आप में वीडियो के ऊपर यहां पे बैठे होंगे, आप बीबीसी करा रहे होंगे, आपको मुकदमे आएंगे भाई। यहां पे बार वोकेशनल कोर्स के दौरान अभी 3 आए हैं और एक और आया, उसने कोई रहमत क्यों यहां पे बैठ के लोग इसे सीख रहे,
ये तो बड़ा अच्छा वकील है, बड़ा जबरदस्त वकील है, ये देखो सारे के सारे वो जज उठ के गया है अभी, जज इसके यहाँ पे बीच में आया तो तय बड़ा तगड़ा होएगा मार्केटिंग। तो आप तमाम दोस्तों को एंड में ये कह रहा हूं, यू शुड डिमांड इट फ्रॉम योर बार एसोसिएशन, यू शुड, अगर वो नहीं करते, आखिरी चीज, वकील अपनी मदद आप पे चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट। हैरी पॉटर किसी ने देखी है फिल्म? हैरी पॉटर की एक फिल्म के अंदर ये होता है कि वो जानबूझ के, चूंकि जादू वाल जादू ही उनका होता है वगैरह, बच्चों को खराब करने के लिए एक ऐसी टीचर भेज देती है जो उनको कुछ नहीं सिखाती, कहती है तुझे मैजिक नहीं करना, मैजिक स्कूल होता है। तो बच्चे क्या करते हैं उसके अंदर, कोई बता सकते? खुद ही शुरू हो जाते हैं। बात यह है, मैंने आपको सिर्फ 6 हफ्ते 12 दिन सिर्फ पढ़ाया है, आपकी जुबान चलानी, आपकी बहस करनी और आपका कॉन्फिडेंस आपका कोई इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है यहाँ पे। आपका तब बने चलेगा जब आप जुबान चलाएंगे। वो आप कब चलाएंगे, जब आप बीच में लाहौर बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार में या पंजाब बार की सरपरस्ती के अंदर आप डिबेट सोसाइटी बना लेंगे गवर्नमेंट की, आपने करना और आप तकरीर करेंगे खड़े होके, हम वीडियो पे आपकी तकरीर नशर करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहां पे आएगा कि ये कर रहा तो ये अच्छा वकील है इसकी काम, राइट। आप ड्रामा करेंगे, आपको शेर व शायरी का शौक है, चल तूने कह दिया तो मैं तुझे शेरी सुना देता हूँ बीच में, पंजाबी दाएगा बल्कि, अपने वजूद नाल ना हक कीता सारे, अपने वजूद नाल ना हक कीता सारे आती मैं अखां मीटा, अद्धा बशर अद्धा हैवान बंदा मैं एक बेईमान, काफी लंबी बीच में है करके। बट किस वजह से मैंने ये बार वोकेशनल कोर्स करवाया, हौले हौले मैनू एहसास सतावे मेरी हयाती किवें नसदी जावे, की मेरा विरसा किथे जावे जान, बंदा मैं एक बेईमान अद्धा बशर अद्धा हैवान। सो बात ही आपके सामने ये बता रहा हूं कि इस बार में और इस जगह के ऊपर आप अगर अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, यू डिसअपीयर लाइक दिस, यू डोंट मीन एनीथिंग इन योर लाइफ एट ऑल। आप लगाए हुए छोटे मोटे हमारे पौधे, आप फले फूलें वगैरह, आपके लिए सारों के लिए दुआ है। तो तमाम दोस्तों से बार वोकेशनल कोर्स में आखिरी दफा बहुत बहुत मजा आया मुझे, आई होप अगर किसी के साथ मैंने कोई ज्यादा सख्ती की है तो माजरत, बट आई होप यू एंजॉयड इट यार, थैंक यू।